आजकल हमारे समाज में ना बहुत मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बातें तो हो रही है, बट कोई कंक्लूसिव कंस्ट्रक्टिव काम नहीं दिख रहा है। और इसीलिए देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री जहाँ तकरीबन हर 3 मिनट में सुसाइड की जाती है। एडोलेसेंट एज ग्रुप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है, और सभी एज ग्रुप में धीरे धीरे करके मेंटल हेल्थ डिजीजेस बढ़ती जा रही है। मेंटल हेल्थ को हमने डिवाइड किया है न्यूरो साइकेट्री में, जहाँ पे नर्व्स का भी डैमेज होता है, साथ में साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं जैसे पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर, और इसी के साथ साथ प्योरली साइकेट्रिक डिजीजेस लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शाइजोफ्रेनिया एक्सेट्रा भी हम इस पूरे में आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे और उनकी कॉजेस को। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो मेडिकल करिकुलम का पार्ट नहीं होती है, हम डॉक्टर्स को पढ़ाई नहीं जाती, और यही वजह है कि हम डॉक्टर्स को पता ना होने की वजह से हम आप पेशेंट को भी ठीक नहीं कर पा रहे। जैसे एक सिंपल सी बात कहें कि आप सोचिए कैसे सिर्फ थोड़ा सा खाने में चेंज करके हम डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसी बातों पर आज डिस्कशन करेंगे और अप्रोच को देखेंगे कि करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे को मेंटल हेल्थ डिजीज से। ह्यूमन रेस ना बड़ी अजीब सी रेस है। हम लोग पैसा कमाने के पीछे अपना टाइम को बेच देते हैं और अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, फिर बाद में उस हेल्थ के लिए परेशान होते हैं और फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को खराब करते हैं, और वही पैसा जो हमने कमाया है फिर हम अपनी हेल्थ को वापस लाने पे खर्चते रहते हैं, और जब तक हेल्थ बिगड़ चुकी होती है और कई कई बार हमारे डैमेजेस इरिवर्सिबल होते हैं, तो अजीब सी रेस है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी जिए ही ना, और असली में तो हम जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में तो कभी भी नहीं जी रहे होते। इसीलिए बशर ने एक शेर लिखा था, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। यही आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी, इतनी ज्यादा हमने अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगा लिया, इतनी ज्यादा डिजायर्स को हमने बढ़ा लिया कि भागते 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 हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर लिया है कि हमें मेंटल डिजीजेज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इतने कॉमन होते जा रहे हैं हमारे समाज में आज की डेट में। तो इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने सुकून को वापस पाएं और मेंटल हेल्थ डिसीजेज से बच के दिखाएं। बिफोर वी प्रोसीड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ टू ब्यूटिफुल एंजल्स, फाउंडर ऑफ आदर्श होम्योपैथिक क्लिनिक एंड प्रोत्साहन प्रोग्राम, एन अल्ट्रा मैराथनर, ए प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट, ए फिटनेस एंथुजियास्ट एंड एन एविड गार्डनिंग एंथुजियास्ट, जो ये भरोसा या विश्वास रखता है कि जितना हो सके हमें खाना अपने लिए कम से कम खुद उगा लेना चाहिए अपने टेरेस पे, अपनी बालकनीज में, अपने गार्डन। और प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे मेरा इंट्रोस्पेक्शन ये है कि 15 साल की मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में वी आर फेलिंग टू ट्रीट मैनी मैनी डिजीजेज इंक्लूडिंग न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीजेज, और सबसे ज़्यादा फेलियर हमें अल्जाइमर डिजीज जैसी बीमारियों में और इस तरह की बहुत सी बीमारियों में जैसे साइजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी एंड इवन डिप्रेशन को हम परमानेंटली क्योर नहीं कर पा रहे। और इसीलिए हमने एक प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिज़ाइन किया है जिसका करंटली बैच 4 चल रहा है, और इसमें हमने बहुत से लोगों की डायबिटीज़ की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट डिजीज की दवाइयाँ या तो छुड़वा दी हैं या स्टार्ट ही नहीं होने दी, इंक्लूडिंग थायराइड ऑल्सो। प्रोत्साहन प्रोग्राम की इंस्पिरेशन है हमारे फाउंडर डॉक्टर्स डॉक्टर हैनेमैन, जिन्होंने बोला था कि बिना मेंटेनिंग कॉज को हटाए हम किसी भी बीमारी को नहीं ठीक कर सकते, चाहे आप कितनी भी दवाइयां दो। बट यहाँ एक बात बड़ा न्यूएंस है क्योंकि डेविल लाइज इन द डिटेल। हमें अगर बताया ही ना जाए डॉक्टर्स को या पता ही ना हो कि मेंटेनिंग कॉज है क्या, तो हम कैसे अपने पेशेंट को समझाएं और पेशेंट्स भी कैसे उस मेंटेनिंग कॉज को हटाए। ऐसी कई बातें आपको आज नहीं दिखेंगी जो मेंटेनिंग कॉज को काम कर रही है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिसको आप एलोपैथी कहते हैं, सर विलियम ओस्लर, डॉक्टर विलियम ओस्लर ने कहा था फिजिशियन का सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि वो कैसे बताए आप लोगों को कि दवाई के बिना कैसे जिया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा महर्षि वाग्भट, जो खुद इच्छा मृत्यु जिन्होंने पाई थी, 135 साल ये जिए थे, इन्होंने अपनी अष्टांग हृदय किताबों में बहुत से सूत्र लिखे हैं, 7,000 से ज्यादा सूत्र। इनका मानना था कि 85 to 90% डिजीजेस हम खुद ठीक कर सकते हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं की इंस्पिरेशन से हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम डिजाइन किया है। स्ट्रक्चर बता देते हैं आज के वेबिनार में हम क्या डिस्कस करें कि स्ट्रक्चर से डिसे। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ जो होती है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उसके बाद कॉजेज ऑफ न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इम्बेलेंस इन न्यूरो ट्रांसमीटर, हमारा पुअर गट माइक्रोबायोम,
ये आपने बड़ी अजीब बात सुनी होगी, बात हम दिमाग की कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर की, और मैं आपको कह रहा हूं कि हम बात करेंगे कारण जो है इंटेस्टाइन में, बिल्कुल करेंगे, आप देखिएगा, आपको मैं प्रूव करूंगा। उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी का नाम नहीं बताया जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और स्ट्रेस, जो स्ट्रेसफुल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा हमारी अप्रोच अप्रोच टुवर्ड्स जो है न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, उसको ठीक कैसे करना है, हम कैसे ठीक करेंगे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कैसे हम डाइट में चेंजेस करें, कैसे हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, क्या चेंजेस करें हम जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मॉडिफिकेशन हो हमारा, स्ट्रेस को कैसे मॉडिफाई, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक फार्स है, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि आप इस समाज में, इस जमाने में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए स्ट्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्स है आपकी, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की जो आपकी रिस्पॉन्स है उसको जरूर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं और डॉक्टर गरिमा, जो हमारी इंटीग्रल पार्ट हैं, जो डाइटिशियन है, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मेंटल हेल्थ डिजीज के बहुत से नाम हमने डायग्नोज कर दिए हैं, PTSD, स्ट्रेस, पैनिक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एल्जाइमर, शाइजोफ्रेनिया, पार्किंसोनिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा, और नाम देके फिर हम एक गुलामी भरी जिंदगी में, सारी जिंदगी के लिए हमें साइकेट्रिस्ट से दवाइयां मिल जाती हैं, जिसको हम खाते रहते हैं सिर्फ इस भुलेखे में, इस सोच में कि ये हमें ठीक करेंगी। और एलोपैथी में क्रेडिबल सोर्सेज में छपे हुए रिसर्च पेपर हमें बताते हैं कि जो दवाइयां जिन बीमारियों को ठीक करने के लिए दी जाई है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो एक्चुअली उन बीमारियों को बढ़ा रही है, ठीक नहीं कर रही। तो आप देखिए, जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं आपके आसपास भी, क्योंकि आपने आज ज्वाइन किया हमें, तो जरूर कोई ना कोई रिश्तेदार, खुद आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जितने सालों से आप एंग्जाइटी डिप्रेशन की दवाइयां ले जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा आपकी बीमारी, और डिपेंडेंस उन दवाइयों पे और बढ़ती जा रही है, उन दवाइयों की डोजेज बढ़ती ही जा रही है। जैसे रिसर्च पेपर आपके सामने है, इसमें लिखा है कि डिप्रेशन की दवाइयां लेने से न्यूरो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है, आपके ब्रेन की न्यूरो डिजनरेशन, नर्व्स और जल्दी डैमेज होने लगते हैं लॉन्ग टर्म में। अगेन अनदर स्टडी, सेम चीज वो प्रूव करिए कि डिमेंशिया को बढ़ाती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स लॉन्ग टर्म में, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैसे न्यूरो डिजनरेशन को बढ़ा रही है, लिवोडोपा जो कि मेजर दवाई है हम यूज करते हैं पार्किंसोनिज्म में, कैसे वो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम को लॉन्ग टर्म में बढ़ाता है। सिमिलरली एल्जाइमर के लिए पिछले 10 सालों में 200 से ज्यादा प्रोटोकॉल डिजाइन हुए और सभी फेल हो गए हैं, मतलब एल्जाइमर डिजीज का आज भी हमारे पास कोई कंक्लूसिव ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स भर भर के इसकी दवाइयां देते रहते हैं जिनके बहुत ही सिवियर एडवर्स इफेक्ट है। और आपकी फेवरेट दवाई जो शायद आपके बच्चे रोज ही खाते हैं ऑलमोस्ट, और कई कई महीनों के लिए पेडियाट्रिशियंस उनको लिख देते हैं, जिसका नाम है मोंटेयर एलसी या मोंटिलुकास, जो सिंपल सी छींके आना, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एलर्जी के लिए जो यूज होती है, जो दिल्ली में बहुत कॉमन है, साइनस के लिए, किस तरह से एफडीए ने बोला है कि ये कितनी स्ट्रांग मेंटल हेल्थ डिजीज, इवन सुसाइडल थॉट्स को बढ़ा सकती है, और हम लोग बिना सोचे समझे मोंटिलुकास ऐसे ही खा लेते हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों का 3 दिन नाक बहता नहीं देख पाते और सोचते हैं चलो दवाइयां खाएं। अब कारणों की बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोला ना, केमिकल लोचा हो गया है ब्रेन में, केमिकल लोचा, जैसे ये वो केमिकल्स है जिनके बेसिस पे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हमारे ब्रेन सेल्स फंक्शन करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा जो ब्रेन के सेल्स हैं और बीमारियां अप डाउन होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्या क्या नाम है, सेरोटोनिन, डोपामिन, दो सबसे मेजर जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अलावा एसिटाइल कोलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, गाबा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले हम रिसर्च पेपर स्टडी कर लें कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हमारे CNS या नर्वस सिस्टम को कैसे वो रेगुलेट करते हैं, ये बहुत सारे रिसर्च पेपर जो प्रूव करते हैं कि हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस इन्हीं केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस या इम्बैलेंस पे बेसिस पे डिसाइड करता है। सेरोटोनिन जो सबसे मेजर हमारे को खुश देता है या फोकस देता है, शांति देता है दिमाग को, वो सबसे मेजर हमारा जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसी को बढ़ाने के लिए सारी एंटी डिप्रेसेंट काम करती है। बेसिकली क्या करती है वो, आर्टिफिशियली जो इसका आफ्टर लाइफ है ना, जो मेटाबोलाइज होने के बाद सेरोटोनिन अपटेक होता है बॉडी में, उसको ब्लॉक कर देती है, तो उनको कहते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक ब्लॉकर। जितनी भी आप एंटी डिप्रेशन या नींद की गोली का नाम लेंगे, डाइजापैम हो गई, क्लोरा एलो पैम हो गई, और
और जितने भी जो भी आर्टिफिशियली गिवन सेल्स सॉल्ट्स हैं सब, तो एल्प्राजोलेम होगी, तो इस तरह की दवाइयाँ सिर्फ सेरोटोनिन को आर्टिफिशियली बढ़ा के रखती है। और सेरोटोनिन सिर्फ मूड्स के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं, और भी हमारी इवन हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, बाकी सब नींद वींद वूड हीलिंग तो है ही है। सेरोटोनिन की कमी से एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, साइजोफ्रेनिया, एल्जाइमर, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन सब में इसका रोल पाया जाता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हम जो खाना खाते हैं, एक एसेंशियल अमोनियो एसिड खाते हैं सेरोटोनिन के बनाने के लिए, प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ये नाम याद रखिएगा, इसको जब हम डाइट की सोल्यूशन की बात करेंगे तब दोबारा डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है एसेंशियल अमीनो एसिड कि हमारी बॉडी इसको बना नहीं सकती, हमें इसको डाइट के जरिए ही लेना पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन आ गया ना, डाइट का रोल आपके डिप्रेशन में। ये कुछ नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स की लिस्ट है। एसिटाइल कोलिन जो हमारे मसल्स और लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी को काम करने में सहायक है, अल्जाइमर डिजीज में इसकी कमी हो जाती है। डोपामिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी देता है, एक्साइटमेंट देता है, और इवन जो हमारी आदतें हैं, कोई हम कुछ लोग शराब पी के कोकेन पी के अच्छा महसूस करते हैं, आप भी मीठा खा के बहुत खुश महसूस करते हैं, मीठा छोड़ नहीं पाते, उसके पीछे डोपामिन की एक्सेस, क्योंकि हम हाई डोपामिन स्टेट में हमेशा एक्साइटेड जीना चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, इवन सोशल मीडिया, तो हमारी आदतें डोपामिन पे डिपेंड करती है, और इसी की ओवर सप्लाई से साइजोफ्रेनिया, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसकी अंडर सप्लाई से जैसे पार्किंसोनिज्म है, ट्रेमर्स और पार्किंसन डिजीज होती है। सेरोटोनिन ये हमें खुशी देता है, फोकस रखता है हमें, और हमें वेरियस जो है सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है साथ में, और इन्हीं वजह से ये हम खुश महसूस करते हैं सेरोटोनिन के होने की वजह से। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी डिप्रेस मूड को जो है बढ़ा देता है, तो इसकी अंडर सप्लाई से हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता है, तभी हमारी हार्ट रेट फास्ट होती है, हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। गाबा एक मेजर न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब इसकी सप्लाई जब कम हो जाती है तब सीजर ट्रैमर्स आते हैं या नींद भी नहीं आती, तभी आपने देखा है गाबा पेंटिन नाम से एक दवाई दी जाती है इसको बढ़ाने के लिए। फिर आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेल एक एक्साइटरी हार्मोन है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एडीएचडी में, ट्रेमर्स में, एपिलेप्सी में इसका बहुत मेजर रोल है, जहाँ कोरिया में, जहाँ बिना मर्जी के हमारी मूवमेंट्स होती रहती है। आप देखें बच्चे आजकल कितने हाइपर एक्टिव रहते हैं, वो वजह यह है कि ये एमएसजी आपके सभी प्रोसेस्ड फूड में डाला गया है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सबसे ज्यादा आइसक्रीम में पाया जाता है, नेस्ले के प्रोडक्ट्स में है, मैगी है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड आप दे रहे हैं, फ्रोजन फूड आप दे रहे हैं, मकेन्स हैं, ये जो फ्रायम्स हैं, इन सब में एमएसजी की भर भर के मात्रा। इसीलिए हमारे बच्चे आजकल अटेंशन डेफिसिट, यानी उनका अटेंशन रहता नहीं और वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, हमेशा उनको स्टिमुलेट रहना पड़ता है, वो सोचते हैं हम बोर हो जाते हैं जल्दी। अब बात करें, हमने न्यूरोट्रांसमीटर तो समझ लिया कि इस ये बेसिस है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के फंक्शन में, लेकिन आपको ताज्जुब होगा यूज तो ब्रेन में हो रहा है लेकिन 90% 90% से भी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ बनते हैं, हमारे गट में, यानी कि इंटेस्टाइन में, जो 6 मीटर के आपकी इंटेस्टाइन है उसमें तकरीबन 1200 ग्राम के बैक्टीरिया जीवित हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया की हेल्थ के ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है, क्योंकि यही बैक्टीरिया जो है 95% सेरोटोनिन, 50% से ज्यादा डोपामिन, और जैसे इस रिसर्च पेपर में लिखा है, और वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ाते हैं। अब अगर गट इतना इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रोबायोम इतने इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी मेडिकल स्कूल में इस करिकुलम में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था। ब्रेन हमारा जो ऑर्गन है ना वो 1200 ग्राम का, और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोबायोम रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, ये भी 1200 ग्राम के, और आगे सिमिलैरिटीज है मैं आपको बताऊंगा। तो माइक्रोबायोम जिसको इंटेस्टिनल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा और भी ज्यादा 500 से 700 डिफरेंट किस्म की स्पीशीज बैक्टीरिया की हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जीवित हैं, रहती हैं, और इसी की हेल्थ हमारे लिए जरूरी है। तो ये गलत नहीं होगा कि हम इंटेस्टाइन को सेकेंड ब्रेन बोले, बल्कि मैं तो कहूंगा बल्कि फर्स्ट ब्रेन, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बनते ही शुरुआत यहां से होती है, फिर वो ब्रेन में जाते हैं वेगस नर्व के थ्रू और फिर वो फंक्शन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आपको ये नई बात समझ आ रही है, तो पहले मैं खूब सारे रिसर्च पेपर जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि समय की आप सबके समय कीमती है। तो इतने सारे अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं वेरियस मेडिकल जर्नल्स में, पबमेड की सोर्स है,
जो ये प्रूव करती है गट किस किस तरह से कौन कौन सी बीमारी में गट माइक्रोबायोम का रोल है। अल्जाइमर डिजीज हो गया, डिमेंशिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अगेन डिफरेंट रिसर्च पेपर, एपिलेप्सी में देखिए गट फीलिंग, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पेपर है। उसके बाद पार्किंसनिज्म, पार्किंसोनिज्म में ये एक सिंपल डायग्राम है जो ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आप समझेंगे कि इंटेस्टिन की परमेबिलिटी बढ़ने से हम जो भी खाते पीते हैं वो केमिकल जो हार्मफुल है, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात की, ये एक एग्जाम्पल है, वो एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में और वेरियस इस न्यूरोट्रांसमीटर को बिगाड़ देता है। इसी तरह से रोज रोज जो आप एंटीबायोटिक लेते हो वो इन बैक्टीरिया को मार देती है जो हमारे लिए बहुत सहायक है। जो आप ऐसे ही सिंपल सी जुकाम के जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेते रहते हो, तकरीबन हर महीने आप अपने गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ रहे हो और इससे फिर आपको आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में नुकसान हो रहा है। सिमिलरली ब्रेन, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी बढ़ती है ऐसे ही ब्रेन ब्लड बैरियर है उसकी भी परमेबिलिटी बढ़ती है। तो वेरियस केमिकल्स फिर ब्रेन में, ब्रेन सेल्स में एंटर करके उसको डैमेज करते हैं। ऐसे ही साइकेट्रिक डिजीज की थ्री मेजर जो इलनेसेस हैं जिनका नाम लेते हैं शाइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मेजर डिप्रेशन, तीनों में देखा गया है कि कुछ किस्म के बैक्टीरिया ज्यादा या कम हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस जो आपके दही में या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में होता है, एगरथेला एंड ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज हैं जिनके बैलेंस बिगड़ने से इन तीनों मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में पता चला है। और ये उसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला था कि बिफिडोबैक्टीरियम अदर कितने किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो यूज होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोबायोटिक्स, जैसे याकुल्ट आप पीते हो, प्रोबायोटिक का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसमें एक किस्म का बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में, बल्कि हो सकता है वो और बिगाड़ दे आपके गट माइक्रोबायोम को, कि एक ही किस्म का बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाए और वो बाकी अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को कम कर दे। अगेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में इन्होंने ये प्रूव किया था कि क्या फंक्शनिंग है इसके पीछे। ये एक सिंपल सा डायग्राम आपको समझा रहा है, जो हम खाना खाते हैं जो हमारा जैसे ट्रिप्टोफेन एक केमिकल है जो मैंने बताया सेरोटोनिन का प्रीकर्सर है, ऐसी डोपामिन के लिए गाप एंड, जो हम खाना खाते हैं उनसे वेरियस अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो असेंशियल है, वो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स में ये बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, फिर ये बैक्टीरिया जो है इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ये इंटेस्टाइन के सेल्स में सेक्रीट कर देते हैं जो वेगस नर्व के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर ये क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व, ये इसको ब्रेन में ले जाती है और फिर हमारा ब्रेन इसको यूटिलाइज करता है। ये एक सिंपल डायग्राम है जो आपको बता रहा है कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर सही नहीं होंगे। अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को एक और कॉग्निशन के लिए जो है वो बता रहा है किस तरह से जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है हमारे ब्रेन में गट में प्रोड्यूस होके किस तरह से हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे और भी रिसर्च पेपर हैं जो पार्किंसन डिजीज में इसका रोल देख रहे हैं। और हाँ, हम सोचते सिर्फ गट, हमारे लंग्स में भी बहुत से माइक्रोबायम है, जो आप रोज रोज एंटीबायोटिक खाते हो ना, जैसे कोविड के बाद बड़ा आम हो गया, खुद एक वायरल डिजीज है फिर भी हम एक एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट उसमें दे देते हैं एजिथ्रोमाइसिन नाम से, क्या जरूरत है, जबकि डिजीज तो वायरस से मिली है। तो जो हमारे बैक्टीरिया सही में लड़ने वाले थे, आगे जाके मैं और डिस्कस करूंगा, फादर ऑफ प्रोबायोटिक जिनको कहते हैं, जिन्होंने गट माइक्रोबायम को ढूंढा, उन्होंने कैसे बताया कि कुछ बैक्टीरिया हमारे को बचा लेते हैं इन वायरसेस से, हम उनको भी मार देते। अब जब गट माइक्रोबायोम इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी हिस्ट्री जानना और इसका बेसिस जानना तो जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टर इलिया मेकिनकोफ, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था 1907 में ये बताने के लिए कि फाइगोसाइटोसिस कैसे काम करते हैं। फाइगोसाइटोसिस कैसे काम करता है, फाइगोसाइटोसिस यानी हमारे जो न्यूट्रोफिल्स है कैसे वायरसेस को, बैक्टीरिया को खा जाते हैं और मार देते हैं। बट इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिसर्च की थी जिसके लिए असली में इनको नोबेल प्राइज एक और मिलना चाहिए था, बट खैर वो हिस्ट्री की बातें हैं। 1892 में, मच बिफोर जब इनको नोबेल प्राइज मिला, उससे पहले ये काफी इंक्विजिटिव थे ये साइंटिस्ट, तो कॉलेरा का एक एपिडेमिक फ्रांस में आया, ये पास्टर इंस्टीट्यूट से पढ़ते थे तो फ्रांस में रह रहे थे, तो इन्होंने क्योंकि इंक्विजिटिव थे इन्होंने देखा चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो इन्होंने कॉलेरा की ब्रोथ ली और पी ली खुद जानबूझ के, और देखा कि बिल्कुल ठीक रहे, इनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर किसी भी स्टडी को प्रूव करने के लिए सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए। तो फिर इन्होंने एक और कोलिक को दी, फिर एक तीसरे कोलिक को दी, सारे ठीक रहे।
फिर इन्होंने और सैंपल साइज बढ़ाया और कोलिग्स को इन किया, तो उन्होंने और कोलिग को इनकॉर्पोरेट किया स्टडी में और उनको पिला दी कॉलरा ब्रो। उसमें से कुछ लोग इतने ज्यादा बीमार हो गए कि बिल्कुल डेथ बेड पे पहुंच गए, फिर उनकी ट्रीटमेंट करके इनको बचाया गया। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि हमारे गट माइक्रोबायोम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो इस कोलेरा को, इसकी डिवीजन को बढ़ने से रोक देते हैं। तो कुछ लोगों के तो ऐसे अच्छे माइक्रोबायोम, हेल्दी माइक्रोबायोम है जो बचा देते हैं, और कुछ के हैं जो वीक हैं, जो नहीं कोलेरा को। और यह माइक्रोबायोम ही एक्सप्लेन करता है। आप पूछते हो ना, ये तो मेरा दोस्त था, रोज दारू पीता, रोज सिगरेट पीता है, बट उसको तो कैंसर नहीं हुआ। और ये मेरी वाइफ है, इनको तो कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं वो करती ऐसी कोई काम, फिर भी उनका, क्योंकि उनका गट माइक्रोबायोम वीक है, जो पीछे से उनकी हिस्ट्री है। इसी यही गट माइक्रोबायोम एक्सप्लेन करता है कि कैसे सी सेक्शन बेबीज जब सर्वाइव, और नेचुरल डिलीवरी, जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो जब बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू पास करता है तो वजाइना में मदर के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टिराइल एनवायरनमेंट, जो मदर्स के वूम में प्लेसेंटा से जब वो बाहर निकलता है तो पहला एक्सपोजर उसको बैक्टीरिया का हो जाता है और उसके गट में जाके ये बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। बट जब हम सी सेक्शन करते हैं तो स्किन के बैक्टीरिया और जो डॉक्टर के हाथ में जो ग्लव्स हैं और जो आपके सर्जरी रूम में जो बैक्टीरिया है वो उसको एक्सपोज होते हैं। तो दोनों का गट माइक्रोम बहुत डिफरेंट होता है, और यही कारण है सर्वाइकल सेक्शन बेबीज की इम्यूनिटी वीक होती है कंपेयर टू नेचुरल डिलीवरी। और बट उस जमाने में इनकी रिसर्च को डॉक्टर इलिया मैग्निकोव को बिल्कुल नहीं समझा गया, क्योंकि उस वक्त तो हमने बैक्टीरिया को दुश्मन माना हुआ था। कई सर्जन तो उस वक्त बीमारियों में इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट हटा देते थे, उन्हें लगता था कि इन बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रेस के लिए इनकी डेथ हो गई थोड़े टाइम से पहले ही, और उन्हीं की डेथ के 10 साल बाद एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गए, जो आपने धड़ल्ले से रोज की रोज आप खा रहे हो। सी सेक्शन डिस्कवर हो गया, हमारी डाइट जो है वेस्टर्नाइज हो गई, वो बेसिस हो गई शुगर पे, आपके प्रोसेस्ड फूड पे, और फिर हमने बैक्टीरिया को इतना दुश्मन मान लिया। जैसे अभी कोविड के दौरान बार बार हाथ धो धो के स्किन में क्रैक्स कर लिए, ड्राइनेस कर ली, 2 मिनट में स्टरलाइज कर लिया, मास्क पहन लिया, कोई अंदर ही ना जाए बैक्टीरिया। मैंने अपने क्लिनिक पे एक भी पैसा नहीं खर्च किया मास्क पे और स्टरलाइजर पे। जो दो आप पेशेंट मेरे पास आते हो, आपने देखा होगा क्लिनिक पे मैंने कभी मास्क नहीं पहना है, चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो। और 90% हमारी बॉडी के सेल्स भी ये माइक्रोबायम, इस पे भी हम आगे और चर्चा करते हैं। अब ये रिसर्च को दोबारा रिवाइव किया गया, एक इंस्टीट्यूट है आयरलैंड में, उसका नाम है एपीसी माइक्रोबायम इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ माइक्रोबायम की रिसर्च पे ही आधारित है ये पूरा इंस्टीट्यूट। यहाँ डॉक्टर रोआरी रॉबर्टसन है, जो कहते हैं कि डाइटरी फाइबर, पॉलीफिनोल और प्लांट बेस्ड फर्मेंटेड फूड खाना, इसीलिए वीगन डाइट का कितना फायदा है हमारे डिप्रेशन और इससे बचाने के लिए, जो हमारी प्रोत्साहन प्रोग्राम की मेजर बैकबोन है डाइट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर रुआरे रॉबर्टसन ने। चूहा है ना, चूहा बाय इनहेरेंट फियर लेके आता है कैट का, है ना, सबको पता है ये तो, कि चूहा बिल्ली से कितना डरता है। तो इन्होंने क्या किया डॉक्टर रुआरे रॉबर्टसन ने, चूहे की इंटेस्टाइन में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की कॉलोनीज इंट्रोड्यूस कर दी। कैसे की, इंजेक्ट की। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का नेचुरल होस्ट होता है कैट, मतलब कैट के अंदर ये बैक्टीरिया नेचुरली पाया जाता है, लेकिन कैट को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये चूहे का जो डर था ना उससे, वो खत्म ही हो गया बिल्ली से डर। सिर्फ एक बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन में इंट्रोड्यूस किया उसकी कॉलोनीज, और उसका इतने एवोल्यूशन से आया हुआ डर, हजारों साल का जो डर था बिल्ली से, वो खत्म हो गया। तो क्या किया उस चूहे ने, जाके बिल्ली से मजाक करने लग गया, बिल्ली को डराने लग गया, झगड़ा करने लग गया। तो होना तो वही था ना जो होता है, अंत में बिल्ली ने उसको खा लिया। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सिर्फ एक बैक्टीरिया कैसे एवोल्यूटरी फियर्स तक को हटा सकता है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इंटेस्टाइन और ब्रेन का स्ट्रांग कनेक्शन है। कैसे है, सबसे पहले तो वेगस नर्व जो ब्रेन और इंटेस्टाइन दोनों को सप्लाई करती है। हमारे ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारे इंटेस्टाइन में भी सेम संख्या है। हमारे ब्रेन का वेट 1200 ग्राम है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबायम उसका वेट भी 1200 ग्राम है। दोनों ब्रेन और इंटेस्टाइन न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे फंक्शन करते हैं, और ब्रेन के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर गट माइक्रोबायम बनाता है, यानी कि इंटेस्टाइन बनाती है। और हमारा इम्यून सिस्टम,
90% हमारे इम्यून सेल्स इसी गट माइक्रोबायोम में बनते हैं और इसी से वो आधारित है। ये हम ऑटो इम्यून डिजीज वाले अपने वेबिनार में, जिसका वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे पहले ही है, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप देखा, इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन कहना गलत नहीं है। हमारी बॉडी में तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और एवोल्यूशन में ये माइक्रोबायम धीरे धीरे इनके डीएनए, हमारे डीएनए में स्लिप इन कर गए हैं जीन्स। तो जो घमंड से आप इस शरीर को मैं बोलते हो ना, मैं, आई मीन्स इलनेस, वी मीन्स वेलनेस, तो जो घमंड आपका है, तो पहले तो ये घमंड ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिस ही गलत है। हमारी बॉडी में टोटल 10 ट्रिलियन सेल्स है और उसके 10 गुना सेल तकरीबन हमारी गट माइक्रोबायम में। तो आप सोच लो, अपने शरीर का सिर्फ 10वां हिस्से है सेल की संख्या आपकी, और जीन्स की बात करें तो और भी कम। तो इनके जीन्स, माइक्रोबायम के जीन्स आपसे ज्यादा है। तो एक तरह से आप तो सिर्फ कर्जा लेके एक किराए पे रह रहे हो इन माइक्रोबायम की बॉडी में, जिस शरीर को मैं बोल के आप जिए जा रहे हो, जो ईगो सबसे बड़ा कारण है आपकी मेंटल डिसऑर्डर और स्ट्रेस का, वो आप हो ही नहीं। क्या आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो? आप हमारी जो ग्रंथों में लिखा है या भगवत गीता में लिखा है कि हम नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, हम जिए रहे हैं, माया है। ऑफ कोर्स आपकी डाइट इसी माइक्रोबायम की वजह से, आपकी डाइट आपके डीएनए को चेंज कर रही है, और ये डाइट में जो चेंजेस है, ये आप खुद नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दे रहे हो, क्योंकि वो ये जीन स्विच ऑन कर दोगे आप जिससे आपकी बीमारियां बढ़ती है, और वो जीन स्विच ऑफ कर दो जिससे आप बीमारी घटाते हो, सिर्फ डाइट। तो मगर इसको हारना नहीं मानना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत ही इंपावरिंग फैक्ट है। क्या हम अपनी जबान का थोड़ा सा स्वाद बदल के, थोड़े से अपनी डाइटरी चेंजेस करके अपने बीमारियों से बचाने वाले जीन्स को स्विच ऑन नहीं कर सकते, और फिर आने वाले अपनी जनरेशन को नहीं दे सकते? एपिजेनेटिक्स इसी फील्ड को पढ़ता है, और 100 बात की एक बात तो मैं ये बोलता हूँ, हमारी आज की खान पान और रहन सहन की आदतें हमारे जीन्स के स्विच ऑन और ऑफ करने की क्षमता रखते हैं, और इसी से हम बीमारी को पाते हैं या बीमारी से बचते हैं, और इवन हमारी आने वाली जनरेशन। गट की बात करते हैं, जब हम गलत खाना खाते हैं, गलत लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमारे जो गट है, हमारे गट के सेल्स ना ऐसे चिपके हुए हैं नेचुरली, बट उसमें हम लीकी गट बना देते हैं। गलत खाना खाने से हमारे ये दूर दूर हो जाते हैं, तो जो हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जो हमने खाना पाना में गलतियां खाई, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट या और केमिकल्स, या और ये जो आप पैथोजेंस खाते हो, हैवी मेटल्स खा लेते हो, गलती से हमारे डाइट में मिक्स हो जाते हैं, मिलावट हो जाती है खून खाने की चीजों में, ये सीधा ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और फिर ये ब्लड जो है रिएक्ट करता है, इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने से हमारे ब्रेन को डैमेज होता है, ये बेसिस है। इसीलिए इस इंटेस्टाइन में माइक्रोबायम के ओवरग्रोथ को या अंडरग्रोथ को, जिसको डिसबायोसिस बोलते हैं, इतनी सारी बीमारियों के पीछे का बेसिस है, स्पेशली न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स। क्या क्या चीजें इस माइक्रोबायम को डैमेज करती हैं, ये आपके सामने है, लिस्टेड है। ग्लूकोज, जो भर भर के चीनी हर चीज में खाते हो ना, उसके बाद फ्रक्टोज, जो आजकल खासकर हर प्रोसेस्ड फूड में, हर बेकरी आइटम में डाला जाता है, हर आर्टिफिशियल स्वीटनर में डाला जाता है, जिसे कहते हैं फ्रक्टोज, जो आर्टिफिशियली कॉर्न सिरप से, चाइना से बहुत सारा कॉर्न सिरप हमारे देश में आता है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्योंकि बहुत कम मात्रा डल के बहुत मीठा कर देता है। इथेनॉल डायरेक्ट बेनिफिट है, एल्कोहल आप स्टरलाइज के लिए यूज करते हो ना, तो वही एल्कोहल अंदर जाके हमारे माइक्रोबायम को भी मार देती है। फैट टिश्यू एंड बाइल सॉल्ट, जब हम ज्यादा फैटी मील खाते हैं, सैचुरेटेड फैट खाते हैं, अनसेचुरेटेड पॉली अनसेचुरेटेड फैट नहीं खाते, तब बटर हो गया, घी हो गया, एक्सेट्रा। फिर इमल्सीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सीफायर्स जो हमारे मेयोनीज में या हमारे पैकेज फूड में भर भर के आइसक्रीम में है, और क्या उसको फायदा देते हैं, एकेंथोसाइनिंस, यानी जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, पर्पल कैबेज है, लाल साग है, अमरंथ है, चौलाई है, बीट रूट है, गाजर है, जितने भी कलरफुल चीजें हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल कैप्सिकम है, और फाइबर, यानी जितना कच्चा आप सलाद फाइबर खाते हो, वो सब आपके इसके लिए कारगर है, फायदेमंद है। तो ये दोनों कंपैरेटिव लिख दिया है। ट्रिप्टोफेन, मैंने बोला ट्रिप्टोफेन अगेन, तो ट्रिप्टोफेन, बाकी सब फाइबर, विटामिन्स, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट आप लोगों के लिए कारगर है। इथेनॉल, ग्लाइडिन जो आपके वीट में पाया जाता है, गेहूं में, बाइल सॉल्ट, इमल्सीफायर एंड फ्रक्टोज जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर में, ये सब डैमेजिंग है, आपकी गट परमेबिलिटी को बढ़ाता है, और ये सब आपके लिए फायदेमंद है, जो स्क्रीन के लेफ्ट में आप देख रहे हैं, जो आपकी परमेबिलिटी, गट परमेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं।
ये एक छोटी सी लिस्ट है जो ये बताती है कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे गट में, कौन कौन से इंटेस्टिनल सेल जो हैं, कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट फॉर द रिसर्च पर्पज़ जो लोग साइंटिफिकली माइंडफुल हैं वो उनके लिए ये मैंने ऐड किया है। सिमिलरली पार्किंसन डिजीज में किस तरह से कुछ बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, ये रिसर्च पेपर छप चुके हैं और ये मल्टीपल रिसर्च पेपर्स का समन्वय है। एक और एक्सपेरिमेंट APC इंस्टीट्यूट में किया गया, एक चूहे को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए जिसको आप आजकल शुगर फ्री के नाम से खा रहे हो ना, तो देखा वो पतला चूहा भी मोटा हो गया। फिर उन्होंने एक और चूहा लिया लेकिन उसको स्वीटनर नहीं दिए, उसको सिर्फ इस पहले चूहे की गट काट के, इंटेस्टाइन काट के ट्रांसप्लांट कर दी बस, और देखा बिना चीनी बिना आर्टिफिशियल स्वीटनर के भी ये चूहा थोड़े टाइम में फिर मोटा हो गया। देख रहे किस तरह से हमारा खाना हमारे गट माइक्रोबायोम को चेंज करके फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी, चाहे वो गलतियां ना भी करें तो भी आप दे रहे हो। अब सेकंड कॉज की बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस हमने समझ लिया। सेकंड कॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी किसी मेडिकल स्कूल का करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता और इसी वजह से हम डॉक्टरों को इसकी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे, और समझ नहीं पा रहे तो फिर हम लोग जो है आपको ठीक भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है ना। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली एक कलेक्टिव 5-6 अलग तरह की सिंड्रोम्स का एक मिक्सचर है। हम लोग चाहते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, जो भी हम खा पी रहे हैं उसको बर्न करें फैट को और वेट कम करें, बट आजकल हम देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, हम फैट और कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं और उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म उल्टा हो गया। आपको ये बात सुन के बड़ा अचंभा होगा कि अल्जाइमर को अब Type 3 Diabetes Mellitus बोलने लगते हैं। Type 1 तो सुन लिया, Type 2 भी आपको पता है, ये Type 3 Diabetes Mellitus को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल डैमेज, जो पैथोफिजियोलॉजी, जो मैकेनिज्म डायबिटीज में दिखाया गया है बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करने का, सेम मैकेनिज्म ब्रेन सेल्स के नर्व्स को या न्यूरॉन्स को डैमेज करने का अल्जाइमर डिजीज में देखा गया, और सबसे चैलेंजिंग डिजीज हमारी अल्जाइमर डिजीज ही है। ये अनदर जर्नल ऑफ डायबिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपा, ये भी ये बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज को Type 3 Diabetes बोलना गलत नहीं होगा। क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जब आप बहुत सालों से शुगर से ग्रस्त हैं, या आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, आप मोटे हैं, ओबीज हैं, आपकी जो वेस्ट साइज है जरूरत से ज्यादा है। बेसिकली इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी आपकी हाइट है इंचीज में उसका आधा ही होना चाहिए आपका वेस्ट या उससे भी कम। इसीलिए जापान जैसे देश में वेस्ट के एक पर्टिकुलर पैरामीटर से बढ़ने के बाद आपका टैक्स लगाया जाता है मोटापे का। हाइपरटेंशन, लंबे टाइम से आप BP लेते कोई गोलियां खा रहे हैं, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर नीचे होना, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बड़े रहना, HDL कम रहना। आप सोच रहे कितना कॉमन है समाज में ये चारों चीजें, और इसको हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है और कैसे मान लिया यार इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसके साथ ही जीना है, और कितना हर घर में हम इसको रोज रोज मान लिया। जितने साल आप मोटे रहेंगे, जितने महीने आप शुगर से ग्रस्त रहेंगे, जितना महीने आप, जितने साल आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा रहेगा, जितने टाइम आपको BP रहा, उतना ही आपका टेंडेंसी रहेगा। यानी कि कोई भी ना न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर एकदम से नहीं आता सामने। जैसे हम बीज बोते हैं ना, उसमें पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसको फिर अंधेरा चाहिए, हीट चाहिए, फिर वो जर्मिनेट करता है, बट हम देख तो सिर्फ वो जर्मिनेशन को पाते हैं, नीचे का प्रोसेस देख नहीं पाते। इसी तरह से ये प्रोसेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम देख नहीं पाते, कई सालों से हम उस पृष्ठभूमि को या धरती को तैयार कर रखा होता है बीज डाल के, बट हम सिर्फ उस पॉइंट को देखते हैं जैसे वो जर्मिनेट करता है और हमारे सामने बीमारी, हम सोचते हैं अल्जाइमर आज हो गया हमारे मदर को या फादर को। ऐसा नहीं है, वो बहुत सालों से इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जी रहे थे, तभी जाके न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हुई जब उनको स्ट्रेस का ट्रिगर मिला। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेस का ट्रिगर नहीं चाहिए, स्ट्रेस का ट्रिगर भी बहुत जरूरी है। जैसे वो रिटायर हुए, उनका अपने समाज से जो है रेलेवेंस खत्म हो गया, बहुत सारे हम प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, एंड इवन आर्मी ऑफिसर्स को खासकर देखते हैं कि उनका दबदबा चल रहा होता है जहां वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो रिटायर होते हैं उनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है अपने समाज में, उनके बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनते, उनका समाज भी सोचता नहीं है, तभी वो धीरे धीरे वो न्यूरो डिजनरेशन में और अल्जाइमर में बहुत कॉमनली आर्मी ऑफिसर्स में देखा जाता है। ये देखिए दो फोटो, आम नहीं है आपके लिए मोटापा, हमने कैसे मान लिया भाई हमारी उम्र होगी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़ो, अब तो मोटा हम होना ही है, छोड़ यार क्या करना।
बिजी, एक तरफ हाथ में फोन, दूसरी तरफ हमारा काम, और हमारा बीपी बढ़े जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दिख नहीं रहा आपको अपना, आप अपने आप को देख नहीं पा रहे इसमें। 45 के बाद तो मोटापा हमने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, 40 के बाद आजकल तो और कम हो गया। आप देखेंगे आजकल बच्चों स्कूल में जाते हैं, छोटी छोटी क्लासों में, 5वीं क्लास में जाओगे देखो 70% बच्चे आपको ओबीज मिलेंगे, खासकर प्राइवेट स्कूलों में। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो चार चीजें हमने पांच बताई आपको, सिर्फ मेंटल डिजनरेटिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए नहीं है, कैंसर में, ऑटो इम्यून डिजीज में, पीसीओडी में, फैटी लिवर में, हर जगह इसका कारण पाया गया है, इसके रिसर्च पेपर है। इवन जितने महीने आप इसमें गुजारोगे उतने ही आपका कैंसर होने का खतरा भी है। यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमने बात की, विसरल एडोपिसिटी, मोटापा, हाइपर इंसुलिनीमिया। इसको याद रखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस तकरीबन सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कवर कर लेता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में, संक्षेप में, इस्ट्रोजन सिग्नलिंग, जितना आप जीनो इस्ट्रोजन आज प्रोसेस फूड और केमिकल्स आप खा रहे हैं, सब जीनो इस्ट्रोजन आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, वैसे तो हम डायबिटीज वाले अपने मोटापे वाले वेबिनार में उसका भी वीडियो यूट्यूब पे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, बट मैं पॉइंट वाइज छोटा में बता देता हूँ। ओबेसिटी, इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट में हाई ग्रेन शुगर खाना, डाइटरी फाइबर का इंटेक कम होना, दूध पीना, मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली, एंड देन जरूरत से ज़्यादा खाना, कैलोरी सरप्लस डाइट खाना, इस तरह से हम डाइट को गलत खाना, एक ही टाइम पे बहुत सी कैलोरीज एक साथ इनटेक करना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली करता क्या है, जो भी हमारे डिवाइडिंग सेल है ना, जो भी नए सेल बनते हैं, जैसे हमारे म्यूकेसा है मुंह से लेके एनस तक की, हर तीसरे चौथे दिन चेंज होती है, हमारे ब्लड सेल अलग अलग टाइम पे नए बनते हैं, हमारे बाल उगते हैं, हमारे नेल्स, बॉडी में हमेशा सेल्स बनते और टूटते रहते हैं। जब ये बनते टूटते डिवाइड करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करता है, ये मेजर ऑर्गन है। ये ऑर्गन भी नहीं पढ़ाया जाता है मेडिकल करिकुलम में, पहले बता रहा हूँ। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जब ये प्रक्रिया होती है ना प्रोसेस, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन या डैमेज करता है, यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे देख लीजिए, हाई शुगर फूड, ये इन्फ्लेमेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स आ गए ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, नींद पूरी ना लेना, स्ट्रेस में जीना, एजिंग, ये सब धीरे धीरे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो फिर हमें बीमारियां आती हैं, कैंसर से लेके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर से लेके जो मर्जी आप नाम लो, बेसिस यही है। तो वो शुगर, देखिए आप रोज जो 3 कप चाय पी रहे हो ना, 2 कप, किस तरह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर, और वो फ्यूचर में आपको ब्रेन डिजीज देंगी, तो इसको स्किप ना कर सके। तभी जापानीज लोग कितने बूढ़े होके भी रिलेवेंट रहते हैं, उनको अल्जाइमर नहीं होती, क्योंकि वो ग्रीन टी का सेवन करते हैं, ना कि हमारी दूध वाली घटिया बीमारी से भरी चाय का। और वही आपकी आइसक्रीम, जिसमें इमल्सीफायर्स भी हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी है, और चीनी तो भर भर के, जो आपके बच्चे रोज खा रहे हैं, फिर बोलेंगे हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों हैं, क्योंकि एमएसजी ने उनको ग्लूटामेट बढ़ा दिया, वो इतने हाइपर एक्टिव हैं, अटेंशन उनको मिल नहीं रहा। इसीलिए शायद जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की आइसक्रीम कंपनी है बास्किन रॉबिन्स, उसके मालिकों ने अपने सारे शेयर बेच दिए और वो वीगन टर्न हो गए हैं, और कई किताबें लिख रहे हैं, वीगन रेवोल्यूशन चला रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम संक्षेप में बता रहा हूँ क्या करते हैं, HPX यानी कि हाइपोथैलेमस, जहां हमारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, इस एक्सिस को करता है, उससे हमारा भूख खाने की क्षमता बढ़ती है, हम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चले जाते हैं। ऐसी BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो ब्रेन की सभी न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है, ये कम हो जाता है। मोटापे के साथ शरीर में इन्फ्लामेशन, CRP लेवल बड़े रहने लगते हैं, और फिर हम जैसे मोटे होते हैं तो सांस फूलता है, हम सोशली लिमिटेड नहीं हो पाते, भाग नहीं पाते, कई एक्टिविटीज छोड़ देते हैं करना, और प्रेगनेंसी के दौरान देखिए किस तरह से ये इन्फ्लामेशन हमारे बच्चे को पहले से ही ब्रेन डैमेज दे रही है बचपन से। ये सब हमें मेंटल हेड, हमारी ईटिंग हैबिट, हमारे डिसीजन फिर और गलत हो जाते हैं, हमें मीठा पसंद ज्यादा आने लगता है, डिप्रेशन पेशेंट में बहुत लोग चॉकलेट खाते हैं, इसीलिए मूड डिस्टर्ब रहने लगता है, और फिर मेडिकेशन खाते हैं, और मेडिसिन से फिर हमें इफेक्ट होता है। जितने भी मेडिकल ड्रग्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा, वो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे बहुत कॉमनली देखा है, एपिलेप्सी की ड्रग्स मोटापा बढ़ाती है, डिप्रेशन की ड्रग मोटापा बढ़ाती है, तो एक तरफ से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हमें बीमारी दे रहा है, और हमारी दवाइयाँ उसी को बढ़ा रही है, तो हम विशेष साइकिल में फंसे हुए। अब इसके बारे में संक्षेप में रिसर्च पेपर जो छपे हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये भी नई बात है आपके लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। ये देखिए कैसे लिखा है, मेटेस नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। ये अलग अलग रिसर्च पेपर है जो ये प्रूव कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का द्विपक्षीय रोल है, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारी को बढ़ा भी रहा है और
कर भी रहा है, और फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहने से सिम्टम भी ज्यादा है, और यही न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर में फिर हम गलत डिसीजन लेके दवाइयां खा के अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बढ़ा रहे, तो एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इस तरह से देखिए कितने सारे रिसर्च पेपर अलग अलग टाइम पे छपे हुए हैं, और जैसे मैंने कहा सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और भी तरह की बीमारियां ये करते हैं, और कैंसर तो है ही है। डॉक्टर सेफ्रेड जिन्होंने ये रिसर्च पेपर छापा, ये यूएस के बड़े फेमस और एक्सपीरियंस्ड ऑनकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को कीमो और रेडियोथेरेपी और सर्जरी एडवाइस की है, वो ये कह रहे हैं कि कैंसर एक होल डिजीज है, लोकल नहीं है, और उसके पीछे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पहले बचना है। और इसीलिए अब मेडिकल करिकुलम में धीरे धीरे इस तरह की किताबें अब छपने लग गई हैं, और दुनिया का पहला मेटाबॉलिक साइकेट्रिक क्लिनिक जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टैनफोर्ड मेडिसिन के नाम से 2015 में खोला है, और डॉक्टर शिवानी सेठ इसकी पहली डॉक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे वेस्टर्न लोगों को ये समझ आ रही है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, बट हम आज भी इस बारे में बात नहीं कर रहे, हमारे मेडिकल करिकुलम में आज भी एडेड नहीं है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। थर्ड फैक्टर जो हमने बात की, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, देन ये हो गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, थर्ड इज स्ट्रेस। बिना स्ट्रेसफुल ट्रिगर्स के यूजली डिजीजेज नहीं आते। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, चिंताश्चय चिताश्चय बिंदु मात्र विशिष्यते, चिता दैति निर्जवम चिंता दैति जीवनम। मतलब चिता तो मरने के बाद शरीर को जलाती है, चिंता तो रोज रोज जीवित मृत शरीर को जलाई जा रही है। स्ट्रेस शॉर्ट में हम करेंगे डिस्कस। स्ट्रेस वैसे तो एक एवोल्यूशनरी हमारा रिस्पॉन्स है जो प्रोटेक्टिव है बॉडी के लिए। स्ट्रेस से हमारी जब हमें मान लो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, यानी शेर दिख गया और उससे बच के भागना है, या कोई भी डेंजर हमारे सामने है उससे बच के भागना है, तो आप चाहते हैं हार्ट रेट फास्ट हो, ब्रेथ रेट फास्ट हो, आपको डाइजेशन उस वक्त स्लो हो जाए, यूरिन आपका स्लो हो जाए, ताकि आप पूरी शुगर लेवल बढ़ जाए, ताकि आप सारी अपनी बॉडी की एनर्जी जो है भागने में लगा पाए। इसके पीछे हमारा हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड का एक्सिस है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सेक्रेट करता है जिससे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, भाग पाते हैं ये सब। लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होता है, जब हम इस फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कॉन्स्टेंट लेने लग गए, जैसे रोज रोज का ट्रैफिक, रोज रोज के डेडलाइंस, क्रेडिट कार्ड बिल्स, बच्चों से हमारी लड़ाइयाँ, झगड़े, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हम रोज हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो HAP एक्सिस हमने किया था जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये कॉर्टिसोल सेक्रेट करता है। कॉर्टिसोल वही केमिकल है जो स्टीरोइड्स में होता है, तो लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली हमारी बॉडी में पानी भर जाता है, वेट बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, डायबिटीज बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, डाइजेशन पुअर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किडनी फंक्शन बेकार हो जाते हैं। तो कितना कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस हमें एक तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ ढकेल रहा है। तभी ये कहा गया है कि चिंता जो है जीवित मृत शरीर को जलाती है। ये कुछ बुकिश जो हमारी साइकेट्री बुक्स में लिखे हैं, ये साइंटिफिक कुछ फैक्टर्स हैं, बट मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा कि मेरा मानना ये नहीं है कि सिर्फ ये है, इसके पीछे के फैक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा। जब जब मैं फंसता हूँ कहीं पे भी या मुझे समझ नहीं आता, तो मैं अपनी फेवरेट गाइड बुक के पास जाता हूँ, भगवद गीता। श्रीमद भगवद गीता में सभी आपको स्ट्रेस रिलेटेड या जीवन रिलेटेड आंसर मिल जाते हैं। आज हम थोड़ा सा कोरिलेवेंस करेंगे भगवद गीता को। एक तो पहले हम बता दें, पूरी भगवद गीता में रिपीटेडली एक शब्द यूज किया, दो शब्द हैं, एक तो है देह आत्मबुद्धि और दूसरा है आत्म साक्षात्कार। देह आत्मबुद्धि का मतलब है हम अपने शरीर को ही, देह को ही आत्मा मान बैठे, या आत्म या सेल्फ मान बैठे, हम समझते हैं हमारा देह ही स्वयं है बस, और यही ईगो की जड़ है। मी आई, आई मीन्स इलनेस, वी मीन्स वेलनेस, हम आई से ईगो से अपना कनेक्शन इस कॉस्मिक यूनिवर्स से तोड़ देते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है बिगड़ जाता है, गलत डिसीजन हम लेने लगते हैं, और आत्म साक्षात्कार इसी कनेक्शन को जोड़ता है। वो हमें समझाता है कि ये देह तो सिर्फ टेम्परेरी है, देह ही हम नहीं है, ये तो आया और मर जाएगा कल, और इस देह के बेसिस पे हम सारे डिसीजन, अपने बच्चों से प्यार, अपने इस देह के लिए, इसकी इंद्रियों के लिए कर्म कार्यरत रहते हैं, मीठा पसंद है, पैसा इकट्ठा कर लो, स्ट्रेस ले लेके हम ऐसा काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले इस देह आत्मबुद्धि से निकलना जरूरी है, इसलिए विवेकानंद जी ने, मैंने अपने क्लिनिक पे भी अपने सर के ऊपर यही चिपकाया हुआ है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, हम सबके अंदर भगवद गीता में लिखा है ना, किशन जी वास करते हैं, आप नाम जो भी दे दीजिए, एक कॉस्मिक परमात्मा कह लो, आत्मा का एक ऊपर रोल, तो
तो इनके डिफरेंट हायरार्की लेवल्स है, परमात्मा, फिर आत्मा, फिर देह आता है हमारा, फिर उससे पहले हमारा मन भी आता है बीच में। तो ये हायरार्की ऐसे ही रहेगी, जब ये इंटरकनेक्शन बना रहेगा तो आप बचे रहेंगे। तो हम सबके अंदर अगर परमात्मा है तो फिर हम इस अज्ञानी शरीर को, हम अज्ञानी है हुए ना इस मनुष्य शरीर को, अगर हम शरीर मान रहे हैं तो इसे प्रभु मानना चाहिए। फिर और मैंने पढ़ी किताबें, जैसे बुद्धिज्म में बहुत किताबें पढ़ी, ये भी अंततः इसका भी रोल आता है भगवद गीता से ही है, क्रेविंग, क्लिंगिंग एंड ग्रास्पिंग। हम क्रेव करते रहते हैं इस शरीर के लिए चीजों को, उसी पे डिसीजन हमारे होते हैं, काम और लोभ इसी का दूसरा नाम है। फिर क्लिंग करते हैं, मान लो वो चीज मिल जाती है, जैसे बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, पढ़ने जाएंगे, अपनी नौकरी करेंगे, अपना घर बसाएंगे, बट हमें मोह हो जाता है, बच्चे हमारे सुनते नहीं है जी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा खराब हो जाता है, तो मोह रह जाता है। थर्ड इज ग्रास्पिंग, फिर जब वो चीज मिलती नहीं है तो हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो हम क्रोध में रहते हैं, और किसी तरह उसको गलत मीन्स यूज करके लेना चाहते हैं। गलत मीन्स यूज करेंगे तो हमारी आत्मा तो जानती है, फिर हम गिल्ट में रहने लगते हैं, गिल्ट में रहते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है, नींद गायब हो जाती है तो बीमारियां आती हैं। तो दूसरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो इस फिलोसफिकल अप्रोच को नहीं मानते उनके लिए, पीपल प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम, आई कैट 3 P's ऑफ स्ट्रेस, आई बोल। हम सारे डिसीजन इतने मोहग्रस्त हैं कि पीपल को ही अपना अपना जो अंदर के हमारे रिएक्शन है पीपल के हाथ में जोड़ दे, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया। तो इससे निकलना पड़ेगा हमें, फॉरगिवनेस और डिटैचमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट, जैसे हम बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं एक्सरसाइज कर, ऐसे हम माइंड को भी ये सब प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके ट्रेन कर सकते हैं, देह आत्मबुद्धि को आत्म साक्षात्कार से खत्म कर सकते हैं। सोल्यूशन, प्रॉब्लम है अगर तो उसका सोल्यूशन अगर आपको पता है तो कर दीजिए, नहीं पता तो एक्सेप्ट कर लीजिए उसको। दूसरा प्रोजेक्ट, इतने जरूरत से ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन या अपने आप से मत लगाइए, या जरूरतें मत अपनी इतनी बढ़ाइए कि आपको हमेशा स्ट्रेस में रहना पड़े। फिर आसपास के लोगों को नेगेटिव मत रखिए, और फियर जो डर है आपके, फ्यूचर का डर बैठता है, बीमारी का डर बैठता है, उसको फेस कीजिए, उसके लिए एक्शन उठाइए, ना कि डर में रहिए। ये मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि अभी और बहुत सी स्लाइड्स बची हैं, इन्फॉर्मेशन आपको सोल्यूशन के बारे में भी देना है। देखिए श्रीमद् भागवत में चैप्टर 2 में 63 श्लोक में ये कहा गया है कि क्रोध से पूर्ण पहले मोह आता है। तो बेसिक बात क्या है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब हम कोई चीज को पह लेते हैं, फिर हम चाहते हैं ये चीज ऐसी रहे, हमसे जाए ना। सिंपल एक गाड़ी खरीदते हैं, हम सोचते हैं उस पर स्क्रैच ना लगे, अरे भाई यूज की चीज है, आज निकल खराब तो हो ही जानी है। तो इच्छाएं पूरी होती है तो मोह बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी नहीं होती हम कोई चीज तो क्रोध बढ़ता है, और दोनों ही दुख का कारण है। तो ये मत समझिए आज कोई चीज आपको नहीं मिली यूनिवर्स ने, तो उसके पीछे कोई प्लानिंग है उस यूनिवर्स की कि आपको कल दे देगा, खुश रखेगा। तो एक्सेप्ट योर थिंग्स, जो आज आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। काम, क्रोध और लोभ, जैसे भगवद गीता में लिखा है, इन तीनों से बचिए, और इनके पीछे कारण मैंने अभी जैसे बोला, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से, पीपल प्रोजेक्ट एंड उससे बचिए। देन उसमें फिर ये लिखा है कि हमारे देहात्म बुद्धि में ही हम रहते हैं संतुष्ट, उसी की आश जो है इंद्रियों को संतुष्ट करने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और उसी मोहग्रस्त होके हम अपने क्षण भंगुर, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर की जो टेम्परेरी चीजें हैं, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, इसमें हम सारा अपना दिमाग लगा के इस देहात्म बुद्धि में स्ट्रेस क्रिएट करते रहते हैं, और उसी अपवित्र कर्म यानी कि गिल्टफुली जो हम कर्म करते हैं, जैसे बताया मैंने ग्रास्पिंग, फिर उस व्रत को लेके सारी जिंदगी स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये मेन कारण है, जब तक इससे निकलेंगे नहीं देहात्म बुद्धि से। ये देह तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी हायर कॉलिंग्स का, जैसे मेरी हायर कॉलिंग है आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ताकि आप अपनी बीमारी को ठीक कर, ऐसी आप सबका कोई ना कोई लाइफ गोल है, लाइफ की कॉलिंग है, उसके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है ये, यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति या आपकी लाइफ गोल को पूरा करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है देह, यही सब कुछ नहीं है, ये मैं नहीं है। अब हम लोग गुलाम बन गए हैं, अब इस गुलाम से हमें फ्रीडम की तरफ जाना है। तो अब बात करेंगे, हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन को ही अब तक पहुंचाने के लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया है, और ये प्रोत्साहन प्रोग्राम जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये नहीं कि सिर्फ दवाई दी काम खत्म। इसमें 5 हेल्थ के पिलर्स हैं, बेसिकली 4 मैं मेन पिलर्स मानता हूँ, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना या स्ट्रेस की रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आप तक पहुंचाना और उससे बचना, और जहां जहां मेडिसिन की जरूरत है थोड़ी फेज के लिए मेडिसिन देके, ताकि आप जो डिपेंडिंग मेडिसिन है, एलोपैथी या और दवाइयां जिस पे आप आधारित है उसको छुड़ाना। हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को अगर हील करना है तो हम 3 प्रोटोकॉल्स पे ज्यादा मेन, जो अब पिलर से मैंने हेल्थ की बात की, डाइट, लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज आ गई, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पहले तो हम ये समझ ले, जब हम गट
माइक्रोबायोम इतना इम्पोर्टेंट है, तो जो जो काम गट को हेल्प करेंगे वो काम हमें ठीक करेंगे या बचाएंगे इन बीमारियों से। तो गट माइक्रोबायोम को हेल्दी खाना खिलाइए, इनको तकरीबन रेस्ट दीजिए, इनको एक्सरसाइज बहुत पसंद है, इनको एंटीबायोटिक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनसे बचिए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इनको स्ट्रिफाइंड कार्ब्स और शुगर पसंद नहीं है, इनको फाइबर पसंद है, फर्मेंटेड फूड पसंद है, जैसे कांजी बनाते थे, सौर क्राउट, किमची, हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी फैट पसंद है, जैसे नारियल हो गया, एवोकेडो हो गया, नट बटर्स हो गए, नट्स हो गए, और हाई क्वालिटी वीगन प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनको पसंद है, जैसे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हो गए, सोया हो गए, एटसेट्रा। और गट और ब्रेन का क्लोज कनेक्शन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो स्ट्रेस में रहेंगे तो वो स्ट्रेस हमारे गट माइक्रोबायोम को भी खराब करेगा, तो स्ट्रेस को भी अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कीजिए। अब पहले बात करेंगे डाइट की, किस तरह की डाइट लेनी है, इसके बेसिक पॉइंटर्स है। एक तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, उन्हें शुगर पसंद नहीं है तो ज्यादा कैलोरीज मत खाइए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से अपने आप को बाहर निकालिए। एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रिप्टोफैन, आ गया ना ट्रिप्टोफैन, जैसे मैंने बात की थी, अच्छा न्यूट्रिएंट मिनरल्स दीजिए ताकि इनको ग्रोथ मिले, इनके सेल्स अच्छे डिवाइड करें, माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छी फॉर्म में बने। डाइट जो आपके चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए फोकस्ड होनी चाहिए, और बीच बीच में इंटरमीटेंट फास्टिंग का यूज कीजिए। आज जो आप डाइट ले रहे हो, आप देखेंगे स्टैंडर्ड अमेरिकन या स्टैंडर्ड इंडियन डाइट क्या है, 70% आपका कैलोरी इंटेक आता है दूध से, गेहूं से यानी आटे से, और चीनी से, तीनों सफेद रंग है। तो सफेद रंग आप खा रहे हो मेजरली, तो जिंदगी तो नीरस और सफेद ही रहेगी, कलर तो आपके पास है ही नहीं। और 98% इंडियंस वेजिटेबल्स खाते नहीं, खाते भी तो थोड़ा सा पका के, थोड़ी सी, पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में आप उतनी वेजिटेबल्स खाते हो जितनी एक दिन में खानी चाहिए। एक एवरेज मैं आइडिया दे देता हूँ, हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1% रॉ वेजिटेबल्स एंड पत्ते, हरे पत्ते खाने चाहिए। 1% का मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 600 ग्राम 700 ग्राम रोज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हरे पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ग्रीन लीफी की संख्या और रिफाइन कर देता हूँ, 0.1%, यानी 60 किलो के पर्सन के लिए 0.6 यानी 60 ग्राम। अगेन जो डाइट हम आपको बताएंगे, जो आप अभी खा रहे हो जैसे मैंने बताया, वही हाई दूध, शुगर, इनके न्यूट्रिएंट इसमें डेफिशिएंट है क्योंकि आटे में, दूध में तो विटामिन्स है नहीं, शुगर, सिडेंटरी आप लाइफस्टाइल जी जा रहे हो क्योंकि ये खाना खा के एक्सरसाइज तो आपसे होगी नहीं, थके रहोगे, इन्हीं खानों में प्रोसेसिंग है तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी मिलेंगे, तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के आपके डैमेज करें। सिर्फ आपकी डाइट की बात अभी हम कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, तो ये लेफ्ट में जो ट्रिप्टोफैन, विटामिन्स एंड फाइबर है ये हमें बढ़ाना है, ग्लाइडिन जो आपके वीट में है, अल्कोहल का इंटेक, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, शुगर का इंटेक, फ्रक्टोज का इंटेक कम करना है। देख सकते हैं आप, जो आप रोज सुबह भर भर के ग्लास में जूस पीते हो वो कैसे नुकसान है, क्योंकि इसमें एक साथ 5-6 ऑरेंजेस का आपने शुगर डाल दिया, फ्रक्टोस बढ़ा दी। और क्या खाना है, फाइबर खाना है, कलरफुल वेजिटेबल्स खाने हैं, एंथोसाइनिंस ये बहुत, और म्यूसिनस वेजिटेबल, क्योंकि ये म्यूकस की लेयर रहती है हमारे इंटेस्टाइन की, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जैसे एलोवेरा है, भिंडी है जिसमें वो चिकनाई निकलती है, अरबी है, इस तरह के म्यूसिनस वेजिटेबल्स खाने। तो प्रोत्साहन प्रोग्राम की एक हमने ये डाइट, जनरलाइज डाइट बनाई है, और इसके आगे स्पेसिफिक हमारे हर बैच में डॉक्टर गरिमा आपकी बीमारी, आपके डाइट, आपका बॉडी टाइप सबको एक कंसिडर करते हुए एक डाइट प्लान देती है जो हर हर हफ्ते मॉनिटर किया जाता है। तो इसी यही फायदा है हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम की, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का। तो प्लांट बेस्ड खाना खाना है, और हो सके तो ज़्यादातर रॉ खाना है, हर्ब्स और रूट्स का यूज करना है क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में ही सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। शुगर, सॉल्ट और वीट यानी सफ़ेद रंग को और एनिमल प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज कर देना है, पैकेज प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है, सोच समझ के माइंडफुली खाना है, चबा के खाना है, हाई फाइबर डाइट खानी है, फास्टिंग का इस्तेमाल करना है, वी डिग आर ग्रेव विद आर टूथ, तो अपनी जीवन के लिए नहीं खाना, अपने गट माइक्रोबायोम के लिए खाना है, अपने देह आत्मबुद्धि में फंस के नहीं खाना, अपने आत्मा यानी अपने माइक्रोबायोम के लिए खाना, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खाना है, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड वाटर इनटेक, अपने सेल्स को हाइड्रेटेड पूरी तरह रखना। तो आपका जो पहले हमने देखा था पिरामिड, आपका फूड पिरामिड ऐसा कुछ दिखना चाहिए, मेजर वेजिटेबल्स और फ्रूट से आपकी चंक्स आना चाहिए, कैलोरीज आनी चाहिए, फिर स्प्राउट्स, लिग्यूम्स, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, एवोकेडो हो गया, फैट हो गया, अच्छा फैट, फिर जाके आपको लेना है, मैं तो नहीं लेता हूँ ना, आपको बोलूंगा, मेरे को तो 3 साल हो गए वीगन अप्लाई किए हुए, तो दूध, दही, मक्खन, अंडे, ये सब सबसे मिनिमाइज में लीजिए। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके सामने है,
मैंने बात की थी प्रोबायोटिक्स की, प्रोबायोटिक्स कारगर नहीं है क्योंकि उसमें एक किस्म का बैक्टीरिया है। हम चाहते हैं जो इंटेस्टाइन में 500-700 किस्म के बैक्टीरिया हैं ये खुद ही डिवाइड होके अपने बैलेंस को मेंटेन करें। तो वर्ड यूज होता है प्रीबायोटिक्स। डॉक्टर इलिया मिकनिकॉफ जिनकी हमने बात की इनको फादर ऑफ प्रीबायोटिक्स भी कहते हैं। ये सब वेजिटेबल्स आपके गट माइक्रोबायम के हेल्दी हैं और जब आप ये सब खाते हो तो वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, बैलेंस को बना के रखते। म्यूसिनस वेजिटेबल जैसे मैंने बात की, रूट वेजिटेबल्स, हल्दी हो गई, जिंजर हो गई, गार्लिक हो गया जो भी जमीन के नीचे उगते हैं, उसके बाद एप्पल्स, फ्रूट्स, ऑनियंस हो गए, क्रूसीफेरस वेजिटेबल क्योंकि फाइबर बहुत होता है, सारी दालें हो गई रॉ फॉर्म में जैसे नेचर ने आपको दिया है ना उसी फॉर्म में लेना, स्प्राउट्स हो गए, उसके बाद फर्मेंटेड फूड, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, कांजी हो गई, मैं सार क्राउट अपने घर में खत्म नहीं होने देता, स्प्राउट जिसमें फर्मेंट होता है, लाइव फर्मेंटेड फूड, उसको पकाना नहीं है, फर्मेंट करके लाइव, जैसे कांजी है आप 5 दिन धूप में रखते हो 7 दिन और फिर उसको ऐसे ही पी जाते, उसकी उस फूड आइटम में, उस फूड की शुगर में बैक्टीरिया ने उसको उस पर काम करके फर्मेंट करके खट्टा कर दिया, इसीलिए नाम आया सार क्राउट। तो उस जो खट्टेपन से जो बैक्टीरिया उसमें ऐसे के ऐसे आपने अपने इंटेस्टाइन में दे दिए और उससे फिर वो इंटेस्टाइन में पहुंचे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में के वो अपने आप को फिर से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप कितना सारा सेरोटोनिन खुश रहने वाला खुद ही प्रोड्यूस कर देते हो। यही फर्क है आपके पॉजिटिव माइंडेड अप्रोच में और नेगेटिव माइंडेड अप्रोच। नेगेटिव माइंड आप करोगे फिर टेस्ट के लिए खाते हो, फिर आप देहात बुद्धि में फंस जाते हो, फिर आप मीठे की तरफ भागते हो जो आपके गट माइक्रोबायम को फिर से डैमेज करता है, जो फिर सेरोटोनिन को घटा देता है और फिर आपको बीमारी देता है। अब बात करते हैं ट्रिप्टोफेन, और स्पेसिफिक ट्रिप्टोफेन से ही सेरोटोनिन बनता है, ये अमाइनो एसिड है असेंशियल। तो ट्रिप्टोफेन नहीं खाओगे तो सेरोटोनिन तो बन नहीं सकता, और ये आपके सामने लिस्ट है ट्रिप्टोफेन कंटेनिंग फूड्स की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्रूसीफेरस, स्वीट पोटैटो, पोटैटो विद स्किन, कैरेट्स, प्रूनस, आलू बुखारा, बनानास, एवोकैडो, सोयाबीन, सबसे ज्यादा सोयाबीन में, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ओट्स, चिकपीज, पिस्टैचियोज यानी मोस्टली नट्स में बहुत पाया जाता है, लेंटिल्स, स्प्राउट्स का आया ना रोल। अब ये आपका रोज का नाश्ता है आपके सामने, देखिए किस तरह से आप अपने गट माइक्रोबायम को क्या दे रहे हो उसको ग्रो करने, कुछ नहीं दे रहे, धीरे धीरे गट माइक्रोबायम खराब हो रहे हैं, वही परांठे, वही दूध, वही चीनी, वही अनाज खा खा के जो ऐसी चीजें दे रहे हो जिससे कुछ भी गट माइक्रोबायम को फायदा नहीं हो रहा। और ये मेरा रोज का नाश्ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन स्मूदी में चले गए, सब्जा सीड उसमें चले गए जिसमें म्यूसिन, एलोवेरा भी एडेड होता है इसमें, ये आ गए ना आपके सामने प्लेट में, देखिए पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, पिस्टैचियोज भी हैं, तो आपको वो खाना मिल गया जो चाहिए। तो सुबह सुबह ही दिन को मैंने ऐसा अपना मूड लिफ्टिंग जिसे कहते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट ब्रेकफास्ट कर लिया, बस इतना सा फर्क। मैं ये नहीं कह रहा आप इंजॉय मत करो, हफ्ते में एक बार खा लो, पराठे 2 बार खा लो, ये रोज 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 तीनों टाइम की मील्स वही खाने, फिर आपकी वेजिटेबल्स कम होना। तो ये सिंपल सा स्विच करना है इस नाश्ते से इस नाश्ते पे, और आप डिप्रेशन एंग्जाइटी से धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे बिना दवाइयों के। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी कलरफुल आपकी प्लेट उतना ही, ये मेरी कांजी है गर्मियों के लिए और ये मेरी कलरफुल प्लेट है, देखिए स्ट्रॉबेरीज कितनी सारे कलर है इसमें, तो ये मेरी खुद की प्लेट है, कोई नेट से ली हुई फोटो नहीं है। अगेन ये आपके सामने मेरा फ्रूट सैलेड, ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच में मैं यही करता हूँ, अनाज नहीं खाता, अनाज मैं दिन में एक ही बार यूज करता हूँ, और कई बार एकादशी के व्रत जब करता हूँ तो अनाज खाए मुझे 48 घंटे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रो इंट्रोजोलॉजी सोसाइटी या जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ अमेरिका में ये रिसर्च पेपर था किस तरह से डाइट और एक्सरसाइज अफेक्ट करती है हमारी कॉग्निशन। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करते हैं, अब कैसे फास्टिंग हमारे ब्रेन को, महर्षि वाग्भट ने ये सूत्र लिखा है अष्टांग हृदय में, विमलेदृत्या संग्रो मलानाम लाघवम रुचि क्षित्र सहोदय शुद्ध हृदय द्वार कंठता व्याधि मार्द मुत्स्यान निद्रा नाश्च, यानी निद्रा को नाश लागिते, यानी फास्टिंग से आप सोचते हो फास्ट करते हैं हम थकते हैं, बल्कि उल्टा है, फास्टिंग से आप निद्रा को नाश करते हो, आलस को हटाते हो, बॉडी से टॉक्सिन को निकालते हो, कितने सारे बेनिफिट, ये उन्होंने आज से 1500 से 2000 साल पहले लिख दिया है। और इसी बात को प्रूव करके 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ओशीमी ने नोबेल प्राइज जीता है कि फास्टिंग से कितना फायदा है जब हम फास्ट करते हैं। ये आपका पहला ग्राफ सबसे टॉप पे आज की मील है, जो आज जिस तरह से आप खाना खा रहे हो, डिनर किया सो गए थोड़ी देर के लिए इंसुलिन कम हुई, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर लंच, डिनर, डिनर के बाद आइसक्रीम, 24 घंटे आप फैट स्टोरिंग जोन में हो, 24 घंटे में से 18 से ज्यादा घंटे आप इंसुलिन को बढ़ा रहे हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ा रहे हो। अब जब आप इंटरमीडिएट यानी 16 से 8 घंटे वाली विंडो यूज करते हो,
तो वैसे फास्टिंग के लिए हमने पूरा डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है अलग से, क्योंकि ये लंबा एक पूरा सेशन है। तो जब आप 16 घंटे नहीं खाते, आप फैट बर्निंग जोन में, या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लड़ते हो, इंसुलिन को डाउन कर देते हो, उसके साथ साथ जब आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग में जाते हो, तो आप यानी लंबे 24 घंटे, 48, जैसे मैं हर एकादशी पे 24 घंटे वाटर फास्ट पे होता हूँ, 36 घंटे में सॉल्ट फ्री होता हूँ और 48 घंटे में अनाज फ्री होता हूँ, तो उस वक्त क्या होता है, आप लंबे फास्ट में ऑटोफेगी को ट्रिगर करते हैं और इंसुलिन को कम करते हैं, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो कम कर दिया, ऑटोफेगी को बढ़ा दिया। ऑटोफेगी कैसे बढ़ती है, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो क्या करता है, जब हम फैट खा चुके हैं लंबे फास्ट में, अब फैट कम हो गया, शुगर भी खत्म हो गई बॉडी से, अब हमें एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, तो मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो वो प्रोटीन को खाता है, यानी खराब सेल्स को खाता है सबसे पहले, ये खराब माइटोकॉन्ड्रिया को खाता है, तो खराब सेल्स हट गए, मतलब आपके खराब पेंट हटाते हैं, उसके बाद नया पेंट करते हैं ना, ऐसी रेनोवेट हो जाती है बॉडी, नए 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 माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे बनते हैं, न्यूरॉन्स अच्छे डेवलप होते हैं, तो फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन ये मीडिएट करता है इस रेनोवेशन के प्रोसेस को, और फास्टिंग एक्सरसाइज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सस्टेनेबल फॉर्म में सेक्रेट करा देती है अगर आप 24 घंटे, इसीलिए इन सब बीमारियों में ये ग्रोथ हार्मोन रिसाइकलिंग का प्रोसेस करता है, न्यूरोजीनरेटिव हो गया, कैंसर, वेट को कम करना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करना, एल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, इन सब में, और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और ये हमारा ब्रेन है ना बड़ा वल्नरेबल है, ये ब्रेन का जो मैकेनिज्म है ना, डिटॉक्स का मैकेनिज्म, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को खत्म करना, बड़ा खराब है, डिटॉक्स नहीं कर पाता अच्छे से, जैसे बाकी बॉडी के सेल्स कर लेते हैं, ब्रेन नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में इंटेक तो हो जाता है, आउटगो नहीं हो पाता केमिकल, इसी वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के मैक्रोफेजिस सेल, श्वान सेल्स होते हैं, वो इन्हीं खराब सेल्स को, न्यूरॉन्स को खा जाते हैं और उनकी जगह नए न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए ब्रेन को और ज्यादा बेनिफिट है, इसीलिए फास्टिंग का देखा न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज में बहुत फायदा है, और फास्टिंग देखिए गट माइक्रोबायोम को भी रिजिलियट कर देता है, इन रिन्यू कर देता है, ये फास्टिंग के फायदे शॉर्ट में इनको दिखाएं, जैसे लिवर से फैट हटाता है, मसल्स की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफी फैक्टर जो इसको बढ़ाता है, ब्रेन की ग्रोथ को हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को बढ़ाता है, कितने सारे फास्टिंग के फायदे, तो ऐसे ही नहीं हमारे सनातन धर्म में फास्टिंग का इतना महत्व है, और ये कुछ जो है फास्टिंग के न्यूरोलॉजिकल डिजीज में ये रिसर्च पेपर, जो जो बात मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कंक्लूसिव स्ट्रांग एविडेंस लेके आपके सामने हूँ, ये एक और जो है फ्री रेडिकल्स बायोलॉजी में छपा हुआ कि कैसे फ्री रेडिकल्स फास्टिंग से खत्म हो जाते हैं और ब्रेन रिन्यू हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बढ़ जाती है, सिमिलरली ब्रेन के फंक्शन को कैसे हंगर मॉड्यूलेट करती है, हिस्ट्री में ये बुक थी कि ये बुक भी छपी हुई है कि कैसे पहले फेमाइन या स्टारवेशन लोगों को जाना पड़ता, खाने की अवेलेबिलिटी कम थी, तो किस तरह से लोग हेल्दी थे आज से ज्यादा, और यही बात भगवद गीता में लिखे कि सात्विक खाना खाते हैं जो टेस्टफुली खाना खाते हैं, 3 प्रकार का खाना होता है, जो नेचुरली चिकना है, देखिए आ गई ना बात, चिकना का मतलब म्यूसिनस आ गया ना, जो स्थिर रहता है, जल्दी खराब नहीं होता, सेब जैसे, चिकन को काट के आप रख सकते हो, सेब को देखो कितने दिन आप स्टोर कर लेते हो, जो खुद ही क्योंकि आपको टेस्टफुल लगते हैं, सेब कितना जूसी है, फ्रूट्स कितने अच्छे लगते हैं, ये नेचुरल टेस्ट है इनके अंदर, मीट में अंडे में कोई खुद का नेचुरल टेस्ट है, जब तक उसमें मसाले नहीं डालोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवद गीता में ये साफ लिखा गया कि सात्विक खाना खाने से किस तरह से हमारा फायदा होता है, और राजसिक खाना यानी बहुत ज्यादा नमक जो प्रोसेस्ड फूड में होता है, बहुत तेज गर्म मसाले, बहुत तेज लवण युक्त मसालेदार खाना जो राजसिक खाना है, ये किस तरह से दुख और चिंता का कारण बनता है, पेट आपका हैवी कर देगा, आपको दुख लगेगा, खा के देखिए आप, एक हफ्ते के लिए वीगन डाइट करके देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप इतना लाइट फील करेंगे ब्रेन में, आपको इतना बेनिफिट होने लगेगा ब्रेन की थिंकिंग में भी, आप बहुत कम गुस्सा आने लगेगा आपको, और साथ साथ ही आप गुस्से के अलावा भी बहुत से और बेनिफिट भी ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ये भगवद गीता में साफ साफ मेंशनड है, इसलिए मैं हमेशा अपनी गाइडिंग बुक भगवद गीता को ही बोलता हूँ। देन अपवित्र खाना, जैसे चिकन हो गया, उच्च बासी खाना, पता नहीं कब का मरा था, अंडे हो गए, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, एनिमल प्रोड्यूस हो गया जो आपके लिए नहीं बना, दूध हो गया, पनीर हो गया, दूध दुग्ध रहित, इन सब का खुद का अपना कोई टेस्ट और टेक्सचर है नहीं, है ना, दूध में आपको चीनी मिलानी पड़ती है पीने लायक, चिकन में आपको मैरिनेट करना पड़ता है खूब से मसाले, तो देखा जाए तो आप कोरिलेट करके देखिए भगवद गीता के श्लोकों को आज की डाइट के साथ, इसीलिए वीगन डाइट इतने फायदा है, और इसको कोरिलेट कर, अभी रिसेंट एक न्यूज आई थी कि सिर्फ चिकन के खाने की लड़ाई के पीछे एक वृद्ध बाप ने अपने 32 साल के बच्चे ने, जिससे उससे पूछ लिया कि मेरे हिस्से का चिकन आपने क्यों खाया, उसको पीट पीट के मार दी, कैसे आपका तामसिक खाना आपकी ब्रेन की सोच समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, यही लिखा है ना भगवद गीता में, अब कोरिलेट कीजिए।
यही खाना खा के आपको सुसाइडल थॉट्स या मर्डर करने के किलिंग थॉट आते हैं। अब इसके बाद एक स्पेसिफिक डाइट और हम यूज करते हैं हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में, इसे वीगन कीटो कहते हैं। वीगन कीटो का मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन ज्यादातर मेजर चंक आपके फैट से आएगा, प्रोटीन 20% और कार्ब्स तो बहुत ही कम 5% होंगे। इसके बेसिस पे एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड की जो रियल लाइफ बेस्ड इवेंट पे है, फर्स्ट डू नो हार्म। इसमें जो इनके डायरेक्टर हैं जिम एब्राहम, उन्हीं के बेटे को ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने दुनिया भर के इवन हार्वर्ड स्कूल, ऑक्सफोर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सब जगह जा जाके देखा, लेकिन इनका बेटा ठीक नहीं हुआ। और बल्कि इस हालात तक पहुंच गया कि स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि हमेशा ही 24 घंटे वो इस स्टेज में रहने लग गया कि उसको दौरा ही पड़ा रहता था। वो एक खतरनाक सोच होती है, खतरनाक कंडीशन होती है, उससे डेथ भी हो सकती है। और टेग्रीटोल या फिनेटोइन या वेलप्रोइड जो मेजर सॉल्ट्स हैं जिससे हम एपिलेप्सी के सीजर्स को कंट्रोल करते हैं, वो सब फेल हो गए। तो इन्होंने फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डाइटिशियन साथ मिलके इनके लिए एक डिज़ाइन की डाइट, जिसे वीगन कीटो कहते हैं। खैर इन्होंने तो कीटो की थी, वीगन नहीं की थी, कीटन कीटोजेनिक डाइट अप्लाई की, और इसका इनको बच्चे को ठीक करने बहुत, और इसी पे इन्होंने मूवी भी आधारित की थी। और बाद में इसी पे रिसर्च पेपर ये सब पब्लिश हुए कि कैसे एपिलेप्सी में वीगन कीटो डाइट का कितना फायदा है बिना दवाइयों के एपिलेप्सी को। और एपिलेप्सी में देखा जाता है 70% लोग ऐसे हैं जिनकी सीजर रिडक्शन में दवाई काम नहीं करती। अगेन वही रिसर्च पेपर, अगेन दूसरा फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी का ये है। तो क्लीवलैंड क्लिनिक भी, जो बहुत एक रेप्यूटेड क्लिनिक है वर्ल्ड की, कीटोजेनिक डाइट बोलती है एपिलेप्सी के लिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम एक्सरसाइज की पूरी डिटेल सेशन करते हैं, मैं खुद डेमो प्रैक्टिकल सेशंस लेता हूं, और हम सभी प्रकार के एक्सरसाइजेस को उनको सिखाते हैं और करवाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक, इसमें सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड एक्सरसाइज है वो ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क, और साथ में हम एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करते, इवन जिम जाने को पसंद नहीं करते, कि खासकर खासकर जो अल्जाइमर वगैरह से पेशेंट है, जो ओल्ड हो गए हैं, उनको हम करा ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल बेस्ड गाइडेड मिक्स होना चाहिए एक डॉक्टर और एक्सपर्ट की। हाल में डाइट तो होनी चाहिए, एक्सरसाइज का रिजीम भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सुबह टहलने चले गए, सैर कर ली, हो गया, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन, टुगेदर वी हैव ए हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस किंगडम। ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, और ये रिसर्च पेपर सब्जे कि एक्सरसाइज करने से भी माइक्रोबायम को पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं। अगेन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस भी ये कहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन सेक्रेट होते हैं, फील गुड फैक्टर सेक्रेट करता है एड्रीनल ग्लैंड, नोरएपिनेफ्रिन सेक्रेट होता है, हम एक्साइटेड फील करते हैं दिन के बाद, सुबह एक्सरसाइज करके ही आप देखेगा अच्छा दिन आपका जाएगा। और यही रिसर्च पेपर ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि गट माइक्रोबायम को कैसे एक्सरसाइज एनरिच करती है, आपका मूड लिफ्ट करती है। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सरसाइज इज ए फ्री बट पोटेंट एंड अंडर यूटिलाइज एंटी डिप्रेसेंट, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब मैं सबसे इग्नोर्ड एक्सरसाइज की बात करूंगा, ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क क्यों जरूरी है, क्यों ब्रीदिंग वर्क, प्राणायाम कह लो, कोई मर्जी नाम ले लो, हमने ब्रीदिंग के भी डिटेल्ड वीडियो डाले हुए अपने चैनल पे, किस तरह से माइंडफुल ब्रीदिंग, फोकस्ड ब्रीदिंग क्यों फायदेमंद है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम सिंपथेटिक सिस्टम, यानी वही वेगस नर्व की हमने बात की थी, तो वेगस नर्व के थ्रू सिंपथेटिक सिस्टम में ज्यादा रहते हैं। एस मीन स्ट्रेस, एस फॉर सिंपथेटिक, हमें सिंपथेटिक से पी से पैरा प्राणायाम और पी से पैरा सिंपथेटिक, तो हमें पैरा सिंपथेटिक की तरफ शिफ्ट करना है। हम वेगस नर्व को हैक कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके। कैसे, जब हम डीप एंड स्लो ब्रीदिंग लेते हैं, जैसे हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, इन्फेंट्स, वो ब्रीथ करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग और हम करते हैं छाती से ब्रीदिंग, तो ये फर्क है। तो एक तो गहरी सांस, स्लो सांस लेना, नॉर्मल इंसान 14 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में, बट अगर हम इसको रोक दें, जैसे 4 सेकेंड इनहेल, 4 एक्सहेल, 2 सेकेंड स्टॉप, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप स्लो डाउन कर दीजिए अपने ब्रीदिंग को, यानी 10 सेकेंड में एक ब्रेथ पूरा किया तो टोटल 1 मिनट में आपने 6 से 8 बार सांस लिया। ये करके आप वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेज देते हो, वेगस नर्व को हैक कर देते हो, इससे आपकी हार्ट रेट, बीपी, जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है अगर रोज करें तो उनकी बीपी की दवाई तक छूट सकती है। ब्रेथ रेट तो हमने कर ही दिया, स्टमक की डाइजेशन इंप्रूव, क्योंकि स्ट्रेंथ मैंने पहले बात की थी ना, सिंपथेटिक से पैरा से, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपका किडनी फंक्शन, बॉडी में सूजन रहना, डायबिटीज, शुगर लेवल का बढ़ा रहना, सब कम किया जा सकता है सिर्फ ब्रेथ को यूज करके। और यही हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने पब्लिश किया बाद में, यही ताई ची के ऊपर भी, जो जापानीज टेक्निक है, बुद्धिस्ट टेक्निक है, स्लो एंड डीप, और यही जो है साइक्लिकल ब्रीदिंग के ऊपर भी छपा है कि मेडिटेशन कैसे यूज।
अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो थर्ड प्रोटोकॉल हम करेंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में माइंडफुलनेस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, योगा आसनास, बैच फ्लावर थेरेपी जो हम उन केसेस में यूज करते हैं जहाँ सीरियस मेडिकल एलमेंट्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर, वहाँ पे हम बैच फ्लावर थेरेपी का यूज करते हैं। दो नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, गोल अचीवमेंट मेडिटेशन यानी मेडिटेशन एंड गोल्डन बॉल मेडिटेशन, क्योंकि इन पे बेसिस है हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम का स्ट्रेस मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। इनको याद रखिएगा, गोल्डन बॉल एंड गोल अचीवमेंट, या बियर बबल भी कह सकते हैं। इन सब में बेसिकली हम विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन यूज करते हैं कि एक गोल्डन बॉल हमारे अंदर चल रही है और हमारे अलग अलग जो कुंडलिनी है उनको जागृत कर। सबसे पहले तो हम पर्पस की बात करेंगे। जब तक लाइफ का पर्पस नहीं है आप रिलेवेंट नहीं फील करते, इसलिए मैंने बोला प्रिंसिपल्स और आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स को ज्यादातर अल्जाइमर होता है, और रिटायरमेंट होने के कुछ ही महीनों सालों में हमने देखा है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अल्जाइमर का ट्रिगर हो जाता है, इवन पार्किंसोनिज्म का। तो पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा रहना चाहिए। अगर आपकी जॉब खत्म हो गई तो कोई और पर्पस आपको ढूंढना चाहिए। ये हमारी भगवद गीता में चैप्टर 1 में 20 श्लोक में साफ मेंशनड है किस तरह से हमारा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे ही मॉडर्न राइटर्स ने लिखा है, जो बैच फ्लावर थेरेपी में कहूंगा डॉक्टर एडवर्ड बैच, फिर हायर कॉलिंग हमारे डॉक्टर हैनेमैन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने ये बोला, चार्ल्स डार्विन ने तो बोला ही कि हमारा एवोल्यूशन ही हमारा ह्यूमन नेचर मतलब ह्यूमंस का गोल है, यानी आपका कल फिजिकली मेंटली स्किलफुली आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एंड इकीगाई जो थोड़ा सा पार्ट गीता से लेकर लोग लिख के किताब छाप देते हैं ना, तो जापानीज लोग इकीगाई शब्द का यूज करते हैं इसके लिए। ये हम बैच फ्लावर थेरेपी यूज करते हैं, और लेफ्ट में आपके भगवद गीता की 8.24 फिगर है, तो आप देखिए कितना क्लोज कोरिलेशन। मैंने बोला देह आत्मबुद्धि में हम अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं कॉस्मिक यूनिवर्स से। मेरे मन में थॉट्स आए कि प्रोत्साहन प्रोग्राम मुझे बनाना है, क्यों आए? कहीं से तो वो मेरे थॉट्स आए, मेरा जनरेशन तो नहीं है ना वो, तो वही आ गई ना बात, वो परमात्मा जो मेरे अंदर है, मैं अथीस्ट हूँ, मैं किसी मंदिर नहीं जाता, ना मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। नाम आप जो मर्जी देना चाहो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, ब्रह्मा बोलो, जो भी धर्म आप, जो भी इस्लाम, बुद्धिस्ट, जो भी फॉलो करते हो, गुरु नानक जी, जिसको मर्जी मानते हो, आपके अंदर आप जब तक ये कनेक्शन नहीं बनाओगे यूनिवर्स के साथ, आप हेल्दी नहीं रह सकते। यही होता है हमारा ईगो, देहात्म बुद्धि ईगो आ जाता है, और ये बैच फ्लावर थेरेपी की बुक से डॉक्टर बैच का ये डायग्राम है, और फिर हम एक ईगो की शेल बना देते हैं और हमारा कनेक्शन तोड़ देते हैं और हम आई में आ जाते हैं। आई मीन्स इलनेस। बैच फ्लावर जब हम देते हैं, ये 38 किस्म के बैच फ्लावर्स हम यूज करते हैं, उनके एसेंस है जो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है, माइल्ड है, तो हम ये ईगो को तोड़ देते हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग और इस कनेक्शन को हम रीस्टेब्लिश कर लेते हैं, और ये कनेक्शन जब रीस्टेब्लिश हो जाता है तो हम फिर हेल्दीली चल पड़ते हैं। इसलिए बैच फ्लावर थेरेपी बाकी दवाइयाँ जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी अल्जाइमर ड्रग खा रहे हैं उससे बेहतर काम करती हैं, और यही हमने रिसेंटली अपनी स्किल्स में क्लिनिक में ऐड की है, और यही जीवन जीने की शैली भगवद गीता में अध्याय 13 में श्लोक 12 में मेंशन है कि दम्भहीनता, अहिंसीनता, सहिष्णुता, सरलता। ये मैं आपको टाइम की कमी होने के हिसाब से दे दिया, आप अपनी भगवद गीता खोल के इन सब आदतों पे, इन सब क्वालिटीज ऑफ लाइफ पे आपको काम करना सीखना है। अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, जब देहात्म बुद्धि से दूर हो जाओगे ना, आपका समभाव आने लग जाए। मैं भी कोई कोई ज्ञानी ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी इन चीजों पे कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे पता चला है उसको मैं साइंटिफिकली कोरिलेट करके, मेडिकली कोरिलेट करके आपके सामने ला। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही बात आ गई ना मेडिटेशन, इसलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, और यही रिसर्च पेपर कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस भी हमारे माइक्रोबायोम को बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेन और गट का जो एक्सिस है जुड़ा हुआ है वेगसन, और इसके पीछे एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जिसको आप लोग तीसरी आंख बोलते हो सनातन धर्म में। इसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं करते मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसका भी मेडिकल मेडिसिन में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं कराई जाती। पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा पाइन शेप्ड ग्लैंड है, और देखा जाता है ये और थाइमस ग्लैंड जो हमारे स्टर्नम के पीछे है, ये दोनों का हाईएस्ट कैल्सिफिकेशन रेट है, ये सबसे जल्दी कैल्सीफाई हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ दूध कम पीजिए, लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाते हैं, विटामिन डी लेते नहीं है, वो कैल्सीफाई कर देते हैं हमें, बल्कि कैल्शियम खाने से एक्सेसिव और जल्दी बुढ़े हो रहे हैं हम, इसलिए मैं दूध और कैल्शियम के अगेंस्ट रहता हूँ डाइट में। पीनियल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं, ये दुनिया का सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि एंटी ट्यूमर
तंत्र है। और मेलाटोनिन कब सेक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से, जब हम पूरे अंधेरे में सोते हैं और जब हम दिन में सूरज में जाते हैं। और हम तो कई कई महीने लोग सूरज में जाते ही नहीं। और यही कारण है जो लोग यहाँ से कनाडा अपने बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए रहने जाते हैं, उन्होंने देखा है कि विंटर्स में जब वहां रहते हैं जहाँ सूरज महीनों तक नहीं आता, घर से बाहर वो निकलते नहीं, वो डिप्रेस फील करने लगते। और ये सबसे जल्दी कैल्सीफाई होता है, और रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करते हैं कि किसी तरह से हम इस कैल्सीफिकेशन को, पीनियल ग्लैंड की, स्लो डाउन कर दें। जैसे NIR, मैंने बताया, नॉन विजिबल सूरज की, जब मर्जी आप सूरज में जाइए, ये नहीं कि सिर्फ विजिबल लाइट है, जो परावर्तित किरणें यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट है दूसरे ऑर्गन से, यानी आप हरियाली भी देख रहे हो तो भी NIR आपको मिल रहा है, तो आप पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सीफाई कर सकते हो, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन की सेक्रीशन को बढ़ा सकते हो। और इसका स्लीप से लेके इबोला तक सब, तभी लोगों ने आजकल स्लीप के लिए मेलाटोनिन के कैप्सूल खाने शुरू कर दिए, जो कारगर नहीं है क्योंकि वो कृत्रिम रूप से है, आर्टिफिशियली। आपके ब्रेन ने तो सेक्रेट नहीं किया, तो ब्रेन के बाकी न्यूरॉन उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करते, यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारा थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टी लिम्फोसाइट जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, और पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड इंटरकनेक्टेड हैं। और जैसे जैसे एजिंग होती है, दो ग्लैंड दोनों खत्म हो जाते हैं, तो किसी भी तरीके से हम इन दोनों ग्लैंड को डीकैल्सीफाई रखें या लंबी देर तक रखें। तभी कहा गया एक्सरसाइज का, वीगन डाइट का और मेडिटेशन, माइंडफुल लिविंग का बहुत रोल है इनको डीकैल्सीफाई करने। ये पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन रेट बताया गया जैसे जैसे एज बढ़ती है। और पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सीफाई या ठीक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, त्राटक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। अब हम बात करेंगे, जो हम गोल्डन बॉल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे थर्ड आई चक्र, जिसको अजना चक्र बोलते हैं, या जहाँ पीने ग्लैंड स्थित है, इसको हम लोग सोचते हैं कि इमेजिन करते हैं कि गोल्डन बॉल हमारे अंदर है, और यही हम अपनी टेक्निक सिखाते हैं अपने प्रोत्साहन ग्रुप के जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स होते हैं उनको। और पीनियल ग्लैंड को डैमेज करता है जो रात को आपकी आदत है ना, अलार्म फोन में लगाते हो, सोने से पहले गाने सुनते हो, सोने से पहले बार बार फोन देख, नींद नहीं चलिए टाइम देख लें, चल यार व्हाट्सएप चेक कर लें, तो स्क्रीन सबसे ज्यादा डैमेज करता है पीनियल ग्लैंड को। और फिर यही कारण कैंसर, डिप्रेशन, अल्जाइमर के पीछे, मेमोरी वीक, आंखों में, क्योंकि ब्लू लाइट सेक्रेट होती है। ये ब्लू लाइट फोटॉन्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अभी तो दिन है, हमारी सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है, हम सूरज ढलने के बाद भी सोचते हैं सूरज की कोई सोर्स है ब्रेन को, और इससे फिर फर्दर नींद नहीं आती। इसीलिए अपने फोन से उसको यूज कीजिए, बट जुडिशियसली यूज कीजिए। अब ये मेलाटोनिन जो हमने बात की, उसका मैकेनिज्म देखिए, स्लीप में भी है, साइक्लिक मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है हमारे गट माइक्रोबायोम को। अब आ गया ना योगा आसन और मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यही मेडिटेशन की हमने बात की थी। इसीलिए जो प्रोत्साहन प्रोग्राम बना है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, होलिस्टिक अप्रोच से बना है। इसके पीछे की जो सोच है, मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस, हमारी इन डेप्थ मॉडर्न मेडिकल रिसर्च और हमारा सनातन वैदिक ज्ञान, तीनों के यूज से बना है। और मेलाटोनिन की सेक्रीशन से ही ग्लूटाथायोन और बढ़ता है, और ये दोनों एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर और ब्रेन को डिटॉक्स करने वाले, एंटी टॉक्स करने वाले हॉर्मोन्स है। सिमिलरली अनदर रिसर्च पेपर जो कहता है पीनियल ग्लैंड से किस तरह से हम जो है पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सीफाई करके हम लोग जो है किस तरह से हम अल्जाइमर से बच सकते हैं और अल्जाइमर को कम कर सकते हैं। अगेन सेम जो हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम में डिजाइन किया है, वही बात सामने आ रही है कि इस डार्क थेरेपी, तभी बोलते हैं हमें अंधेरे में सोना चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए आपके कमरे में, और दिन में जरूर सूरज में जाना चाहिए। ये दो ही सोर्स हैं नेचुरल मेलाटोनिन बढ़ाने के। और विजुअलाइजेशन एक सनातन धर्म की पुरानी प्रैक्टिस है, ये इतने सालों से हम लोग, हजारों सालों से अपने वेदों में पढ़ते आ रहे हैं। और इस विजुअलाइजेशन को यूज करके वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक वीडियो गेम डिजाइन की है, जिसमें वो कैंसर पेशेंट को खिलाते हैं और कहते हैं कि इमेजिनेशन करने से ही वो आपके प्रोटीन आप डिजाइन कर सकते हो अपने ब्रेन के, जो प्रोटीन फिर डिसाइड करते कि हमारे कौन से जीन स्विच ऑन होंगे, ऑफ होंगे, कैसे ट्यूमर सेल बनेंगे और घटेंगे। और ये फोल्डिट इस गेम का नाम है, और यही हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में समझाते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड योर पास्ट वॉज, यू कैन ऑलवेज मेक ए बिगिनिंग टूडे। आज जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, इसको माइंडफुली समझिए। थोड़ा हमारा पेस फास्ट था क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। इन कमिंग डेज हम इसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे इस प्रेजेंटेशन को अपलोड कर देंगे। और एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द ऑथर ऑफ हिज एंड ओन हेल्थ और डिजीज,
तो जो पहले सोच है अपनी बदलिए, समझिए हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को ठीक कीजिए। कहीं पे भी आपको ज़रूरत लगे हमारी हेल्प की तो हम लोग मोर देन हैप्पी होंगे। मैं और डॉक्टर गरिमा और हमारी पूरी टीम इस कार्य में तत्पर हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम के बैचेस हमारे रेगुलर बनते रहते हैं। अभी फोर्थ बैच चल रहा है जिसमें आज प्रैक्टिकल डेमो सेशन एक्सरसाइज का था। अगली बार डॉक्टर गरिमा डाइट रिलेटेड सेशन लेंगी तो वीकली उसमें सेशंस होते हैं, साथ में एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एंड अदर चैनल चैलेंजेस दिए जाते हैं जो हमारे मेंबर्स रेगुलरली फॉलो करते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप तो हमारी कोई भी नीड हो आप डायरेक्ट इस सिंगल व्हाट्सएप नंबर पे इस विंडो पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है आपका रिप्लाई के लिए तो हमें थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा ज़रूर। और अब मैं डॉक्टर गरिमा को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर सिस्टम। ये डिज़ाइन करती हैं डाइट बैकग्राउंड से। शी इज़ ए होम्योपैथ एंड माई क्लासमेट फ्रॉम माई मेडिकल कॉलेज। और शी डिज़ाइंस एक्सक्लूसिवली जो डाइट है वो आपकी बीमारी, आपकी बॉडी टाइप, आपके रहन सहन, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपके पास कितना समय है उस डाइट को फॉलो करने के लिए, इन सब के लिए ये डिज़ाइन करती है। और इसी के साथ जो है मेरी प्रेजेंटेशन अब यहाँ ख़त्म होती है।